10,000 माइनस होकर के आपको 25,000 कंसल्टेंट बनने पे मिल जाएगा, या आपको बैक ऑफिस में आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरीके से मैनेजर बनते हैं तो आपको 35 और 10 45 हो गया, अब 1,00,000 में 45,000 पहले मिल गया तो आपको 65 और मिल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल कैलकुलेशन करके आपको टोकन भी मिलेगा प्लस गिफ्ट भी मिलेगा। इसमें एक दो स्टेज को आपको समझाऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा, जैसे अगर पहले स्टेज में आते हैं तो क्या फायदे हैं और दूसरे स्टेज में क्या है, तीसरे से टोटल 10 स्टेज है। पहला स्टेज में अगर आते हैं तो उसके फायदे हैं कि आपको 50 यूनिट से शुरुआत अगर आप करते हैं तो 2,632 आपको इसके टोकन मिलते हैं, साथ में 1,500 इनके टोकन है। और एक आपको जो मैं बताया ये आपको कहना चाहिए सिंपल ये ट्रेवल बॉक्स आपको एक मतलब मिल जाएगा। इसी तरीके का अगर 100 यूनिट आप शुरुआत करते हैं तो 5,556 मिलेगा, इसमें टोटल मात्र 800 पैकेज है, इसमें 2 ट्रेवल बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप 300 से शुरुआत करते हैं तो 17,647 मिलेगा, इसमें 500 टोटल पैकेज है, एक ट्रेवल बॉक्स और एक 75 ml का भी एक बोतल मिलेगा। जो 8 फ्लेवर है इसमें देखे होंगे, इस 8 फ्लेवर में किसी भी एक फ्लेवर को आप चयन कर सकते हैं और उसमें सेलेक्ट करके आप एक 75 ml का भी ले सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक पैकेज के रूप में मिलीनियर डॉलर्स और पार्टनर, इसके लिए हम लोग अलग से ट्रेनिंग किए थे अलग से यूनिट पे करके, लेकिन आपको इसी में इंक्लूड होकर के वो ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा और एक बेसिक ट्रेनिंग और होगा, तो सारे चीज इंक्लूड है इसी पे। अगर आप 600 से शुरुआत करते हैं तो इसमें सारे 37,500 मिलेंगे और 150 इसमें पैकेज है, इसमें सारा चीज इंक्लूड है, ट्रेवल बॉक्स भी है, 75 ml भी है और सभी कहना चाहिए ट्रेनिंग पैकेज भी है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर इसमें 15,000 अगर यूनिट से शुरुआत करते हैं तो इसमें 1,500,000 मिलेंगे, इसमें मात्र 100 पैकेज हैं। टोटल कंपनी में इस समय लगभग 17,00,000 लोग हैं और 180 देशों से लोग इन्वॉल्व हैं। तो समझ सकते हैं कि जब पिछला शुरुआत हुआ था उस समय बहुत ही कम लोग थे, लगभग 6,00,000 लोग थे। मैं कंपनी में 2017 से 16 लास्ट 17 से लगभग हूँ तो कंटिन्यू हूँ। तो उस समय जब शुरुआत हुआ था 30 मार्च 2019 को, तो मात्र 3 मिनट में ही पहला स्टेज समाप्त हो गया था। हम लोग के पास बहुत सारे लीडर नहीं ले पाए थे, जो पहले स्टेज में आए थे उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला था। धीरे धीरे ग्रोथ जैसे जैसे होते जाएगा सीआरयू का भी ग्रोथ बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से इसमें भी ग्रोथ होगा स्टार्टिंग में जो आएंगे। तो आप लोगों के ऊपर है कि कौन सा पैकेज लेना है, किस में इन्वॉल्व होना है। बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में वेट करेंगे या देखेंगे, वो बाद में इन्वॉल्व होकर इसमें आ सकते हैं। तो लेकिन दूसरे स्टेज में अगर आएंगे, तीसरे स्टेज में आएंगे तो उसमें डिफरेंट क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर 1200 यूनिट में आते हैं तो इसमें 80,000 मिल रहा है, और दूसरा स्टेज में हम लोग आते हैं अगर 1200 यूनिट का अगर बाय करते हैं तो इसमें 48,000 आता है दूसरे स्टेज में। और हो सकता है कि एक दिन के बाद ही दूसरा स्टेज मत चला जाए, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा लोग इस पे इन्वॉल्व होंगे, लाभ लेंगे, तो उसपे पहला स्टेज समाप्त होगा। इसमें कोई मंथली नहीं है, जैसे ही पहला स्टेज समाप्त हुआ दूसरा स्टेज में चला जाएगा, तीसरा में चला जाएगा, ऐसी बिकते जाएगा 3-4 स्टेज। तो इतना जल्दी समाप्त होगा कि आप लोग देखते ही रह जाएंगे। इसके लिए आपको पहले से प्री प्लानिंग करना होगा सीआरयू। आपको नया रजिस्ट्रेशन अगर किसी को करना है तो एवरेज के बैक ऑफिस से करके आपको सीआरयू के बैक ऑफिस में फंड एड कर सकते हैं एंड करके, और कोई भी पैकेज जैसे ही स्टार्ट होता है आप इस पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर तीसरा स्टेज में आते हैं और 1200 अगर यूनिट से बात करते हैं तो 34,286, और इसी तरीके से अगर हम चौथा स्टेज में आते हैं तो 26,667, अगर पांचवा स्टेज में आते हैं तो 21,818, और हम लोग छठवां स्टेज की बात करते हैं 1200 यूनिट से तो 18,462, अगर सातवां स्टेज में बात करेंगे तो 16,000, और फिर आठवां स्टेज में बात करेंगे तो 14,118, और अगर हम लोग नवा स्टेज में बात करेंगे तो 12,632, और सारे जितना भी है पैकेज इधर परफ्यूम का ट्रेवल बॉक्स 75 ml प्लस में एजुकेशन का ही सारा चीज मिलेगा ही। अगर दसवां स्टेज में लेंगे तो मात्र यहाँ पे 8,000 मिलेगा। अगर वहां से कंपेयर करेंगे तो वहां लगभग 1 से 1.5 रुपए में मिल रहा था 1200 अगर यूनिट वाला बात करते तो, लेकिन इसमें अगर दसवां स्टेज में आप कर लेते हैं आकर के तो यहाँ आपका क्वांटिटी में काफी फर्क पड़ जाएगा, लगभग 10 से 12 रुपए में आपको यहाँ पे पड़ रहा है एक इसके टोकन।
और साथ में ट्रेवल बॉक्स मिलेगा, 75 ml मिलेगा, आप परफ्यूम का भी लाभ लेंगे, प्लस में आपको टोकन भी मिल जाएगा, तो डबल मतलब बेनिफिट आपको है, तो इस पे आप ले सकते हैं। अभी तक आपके कंपनी के टेलीग्राम चैनल है उस पे आप नहीं अगर एंटर किए हैं, तभी भी आप इसमें आ करके इंटर होइए, इस पे स्कैन करिए या इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, उस पे जरूर ऐड हो जाइए, जैसे ही स्टार्ट हो उसका लाभ तुरंत आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यूएसेंट का संक्षिप्त कहना चाहिए कि जानकारी था, आप लोगों का इससे संबंधित जानकारी कहना चाहिए कि सवाल होंगे या तो कुछ और भी होंगे, तो सारे चीज़ आप हम लोग अब क्वेश्चन सेशन आंसर का सेशन रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यूएसेंट का लॉन्चिंग के लिए कंपनी के सीईओ आंद्रे हरातो ऑलरेडी 21 तारीख को इंडिया भारत में आ रहे हैं, 21 तारीख से लेकर के इंडिया टूर का प्लानिंग किए हैं। उसमें आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, किस टाइप से होगा, हम लोग कैसे काम करेंगे, किस प्रोजेक्ट का क्या वर्क चल रहा है, हर चीज सवाल जवाब या जो भी पूछना है आपको फेस टू फेस जाकर के पूछ पाएंगे। तो पहला इवेंट होगा वो दिल्ली में होगा जो 22 तारीख को रखा जाएगा, उसका सारा चीज आपको फ्लायर और हर चीज अप टू डेट कल के बाद आप लोगों को सर्कुलेट हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, और नहीं जुड़े हैं तो ऑफिशियल कंपनी के, तो उसमें सारा चीज शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़े होंगे या यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जुड़े होंगे, तो वहाँ भी आप लोगों को ये सारा चीज दे दिया जाएगा। इसके बाद वहां से प्लानिंग होगा मणिपुर में, मणिपुर का 24 तारीख यूएसेंट का लॉन्चिंग मणिपुर में ही होगा, और मणिपुर के बाद मणिपुर 25 तारीख को मणिपुर का ओपन ओपन कॉन्फ्रेंस होगा, और 26-27 तारीख फिर इसके बाद साउथ की ओर जाएंगे, और साउथ में फिर इवेंट होगा, वहां के बाद फिर कम बैक दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली के बाद प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि एक रायपुर में भी इवेंट रखेंगे, जिसमें इधर वाले जी जो हैं रायपुर आ जाएंगे, उसका तारीख 2 तारीख रखे हैं। सारा चीज आप लोगों को फ्लायर मिल जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब अपडेट सारा चीज, जब होटल्स हर चीज के लिए प्लानिंग हो रहा है, बात चल रहा है हर एक जगह पे, तो सभी लोग आइए, सभी लोग लीडर का सपोर्ट करिए, क्योंकि कुछ चीज ऐसा है जैसे मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है कि आप लोगों को क्योंकि बराबर जो देख रहे हैं तो अलग ही रहता है, लेकिन सीईओ अगर सामने आके बात करें और पूरा डिटेल बताएं किस तरीके से काम करना है, हम लोगों का क्या प्लानिंग है, इंडिया को लेकर के क्या है, इंडिया के प्रोजेक्ट को लेकर के क्या है, और पहले क्या हुआ, अब तक क्यों नहीं प्रोजेक्ट आया है, सारे आप लोगों के मन में सवाल रहते होंगे, कई कारण हैं जिसकी वजह से कहना चाहिए कि अब तक प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं आए, वो सारी चीजों को भुला करके अब हम लोग कैसे काम करें उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे ही सीईओ आते हैं हम लोग सभी लोग वहां पहुंच करके सब लोग सहयोग करते हैं, और मिल करके सारे सवाल जवाब और क्या चाहते हैं हम लोग सब चीज का वहां पे रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करिए, और उसका जैसे ही आप लोगों का अपडेट आएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए। और देख लीजिए अभी तक हम लोग जैसे सीआरयू को शुरुआत हुआ था, मैं बता देना चाहूंगा उसमें 10 और 11 फरवरी 2019 को जब हुआ था उसके लिए हम लोग 1 लाख से ऊपर का पैसा खर्च करके मलेशिया गए थे, तब जाकर के वहां पे सुनने को मिला था कि किस टाइप से सीआरयू का शुरुआत होने वाला है सारा चीज। जब हम लोग इवेंट सुनने के बाद बहुत सारा चीज विजन क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद उसको फुल फ्लेश रूप से काम कर सके, इसीलिए अच्छा रैंक हासिल कर पाए और एक अच्छे पोस्ट पे आ पाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ बड़े लेवल पे काम करना है, आपका बड़ा प्लानिंग है और टीम भी अच्छा करना है, सारे आपके सवाल के भी आंसर मिलना चाहिए, और प्रॉपर रूप से आप वर्क करना चाहते हैं, तो एक बार इंडिया में ही इंडिया में भी कहना चाहिए कि इंडिया में ही सारा चीज प्लानिंग हो रहा है, तो आप लोग इवेंट में जरूर से जरूर जाएं। इवेंट में जाने से आपको सारे सवाल के क्वेश्चन मिल जाएंगे और प्रॉपर आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अब जब विजन क्लियर हो जाएगा तभी जाकर के आप इसमें बड़ा काम कर पाएंगे। तो बहुत ही जल्द आपको सारा चीज मिल जाएगा, होटल्स के नाम, जगह, टाइम, हर चीज डिटेल आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ये इस तरीके से कहना चाहिए कि इससे संबंधित जानकारी था। तो अभी भी आप कहना चाहिए कि इससे संबंधित अगर सवाल जवाब आपके हैं, अभी चाहते हैं कि मेरे से कुछ सवाल हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो राकेश जी अब और कुछ करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन। बस 1 मिनट उसमें ऐड करेंगे कि जैसे इवोसेंट है, जैसे बताया गया कि इवोसेंट जस्ट लाइक लग्जरियस लाइफ का एंट्री पॉइंट है, उसमें बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है ना, वुमेन्स वेयर आएंगे, मेन्स वेयर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट
अभी जो आंद्रे उभराते हमारे सीईओ जो इंडिया आ रहे हैं उनसे आप लोग डायरेक्टली रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं, वो आपके सभी सवालों का, हमारे सभी सवालों का जवाब देंगे, चाहे वो सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू को लेकर के हो, एक्सचेंज को लेकर के हो, या इंडिया में जो प्रोजेक्ट है उसकी बात हो, किसी भी तरह का। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि हम लोग डायरेक्ट सर से मिले और सर से बात करें, और उनके पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे इंडिया के इंडिया को लेकर के प्लानिंग्स है, ठीक है ना, इंडिया को लेकर के बहुत सारे प्लानिंग्स है, इंडिया में जैसे प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है, वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही आ रहे हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ करके जो वेबिनार होगा, जो ओपन कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें अपने टीम के साथ पहुंचे, खुद भी आए और डायरेक्ट मिले उनसे और मिल करके हम लोग बात को सुने और अपने सभी सवालों का आंसर भी वहां पे ले, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे बढ़ेंगे आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। जिनका भी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना हैंड को रेज कर लें, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो अपने अपने हैंड को रेज करें, और मैं उन्हीं लोगों का क्वेश्चन आंसर लूंगा जिनका नाम आएगा, जैसे qcom.btd है, आप अपना रियल अपना नाम पे आइए, अदरवाइज आपको हम लोग क्वेश्चन आंसर के अंदर नहीं लेंगे। आप अपना नाम चेंज करिए, जो भी नाम है नाम के साथ आइए, और कोशिश करिए कि वीडियो पे भी आए, जो लोग आ सकते हैं वीडियो पे भी आए, ताकि लोग डायरेक्टली फेस टू फेस देख करके बात करें, उसका कॉन्फिडेंस भी एक अलग आएगा, ठीक है, मजा अलग आएगा। और जिनका अगर रियल नेम नहीं है वो प्लीज हैंड रेस ना करें, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हमारे उड़ीसा के लीडर, बंगाल के लीडर मिहिर जी से। मिहिर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है, प्लीज। सर नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया सर। सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा एवोसेंट के बारे में अपडेट चाहिए था। जैसे कि हमारा सीआरयू है, डब्ल्यूसीआरयू है, बहुत बढ़िया बात है, साथ में हमारा साथ अगर एवोसेंट जुड़ जाए तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन हमें इसके लिए अपडेट भी चाहिए सर, ठीक है। तो मेरे को जानना था सर, एवोसेंट का जो सप्लाई है और जो आने वाला दिन में उनका प्लानिंग, कब तक वो एक्सचेंज में आएगा, और उनका क्या बोलते हैं, एक जो हमारा होता ना कम्युनिटी, कितना बड़ा कम्युनिटी चाहिए उनको एक्सचेंज में आने के लिए नैस्डैक में, ठीक है। और अगर नैस्डैक में नहीं आते हैं, मान लीजिए कल का डेट में हमारा कम्युनिटी इतना टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो नैस्डैक में अगर नहीं आता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लोगों का, वो कैसे रिकवरी होगा फिर सर? सर जवाब देंगे कि मैं दूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही भी देता हूं जी। देखिए, अगर मैं भी दूंगा तो उतना ज्यादा तो एग्जैक्ट जो आंसर है इसके लिए ही सीईओ आ रहे हैं। रियलिटी अगर कहा जाए तो इसका एग्जैक्ट आंसर, अच्छा, अगर इस तरीके से हम लोग को मीटिंग का बताया गया है उसके अनुसार हम लोग भी सर्टिफाई नहीं, इसका रोड मैप अभी तैयार हो रहा है। रोड मैप में हर चीज दिखा मिलेगा कि कहाँ पे जाएगा, कैसे ग्रोथ होगा, दो चीज है, इनिशियल स्टेज में है तो अगर लाभ लेना है तो आपको मीटिंग कंपनी के सीईओ की मीटिंग में आना पड़ेगा। अगर प्रॉपर जानकारी तो सीईओ सर इंडिया कब आ रहे हैं? सर इंडिया 21 तारीख को आ रहे हैं, 22 तारीख को दिल्ली में ओपन मीटिंग है। अच्छा, 22 तारीख कहाँ है सर? दिल्ली में है, दिल्ली सारा चीज उसका डिटेल आ जाएगा, दिल्ली में कौन सा होटल है, टाइमिंग क्या रहेगा, हर चीज सर्कुलेशन हो जाएगा, उसका अपडेट हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में इतना कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ तो बहुत जन एंड्रे सर से मिलने के लिए उतावला है, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम में सर सभी को पहुंच पाएंगे, मेरे को तो नहीं लग रहा। देखिए, जितना लोग आएंगे उतना लोग दिल्ली में आ पाएंगे, लेकिन हम लोग कोशिश मैं कर रहा हूँ खास करके कि हम लोग अगर रायपुर में रखेंगे तो हमारे उड़ीसा, महाराष्ट्र, मुंबई, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तक के लोग कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक रायपुर मिडिल है अगर नक्शे के अनुसार देखेंगे तो यहाँ भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर वहाँ नहीं रहे तो यहाँ पे बड़े स्तर का प्लानिंग करेंगे, एक कहना चाहिए कि इंडोर स्टेडियम है उसका बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग सब सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे बड़े स्तर पे मीटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो हमेशा आपके साथ है सर। और इसका समय मार्च में हम लोग रखेंगे, 1-2 मार्च का रखेंगे, ताकि बीच में गैप मिल सके। अभी हम लोग रिसेंटली 1-2 दिनों में नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीज मैनेजमेंट का जान ही रहे हैं। अच्छा, इसमें सब तक, लेकिन दिल्ली का इवेंट फाइनल है, उसका कल हर चीज आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा।
मतलब छत्तीसगढ़ का जो प्रोग्राम होगा 1-2 तारीख को होने का चांसेस है। हाँ, 1-2 तारीख को होगा, तो उसमें हम लोगों का बहुत सारे सवाल रहेंगे, सामने मिल पाएंगे और एक साथ हम लोग बात कर पाएंगे, बहुत सारा चीज रहेगा। मैंने तो इसके लिए एंड्रयू सर हम मतलब रहेंगे तो उतना दिनों तक यहाँ पे इंडिया में, ऐसा ना हो कि दिल्ली में प्रोग्राम करने के बाद मणिपुर साउथ ये सारा जगह प्रोग्राम करे, उसका बाद छत्तीसगढ़ में बोलेंगे कि नहीं हम आ नहीं पाएंगे, हम कुछ बिजी शेड्यूल में हमको जाना पड़ेगा, तो फिर हम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कहना बिल्कुल है। जैसा मैं कट ऑफ काउंसिल में हूँ, देखिए दो तरह से होता है, अभी तक जैसा प्लान है उन्हीं के अनुसार मतलब मैं बोल रहा हूँ, और पूरा मेरे को खुद किए हैं कि यहाँ पे मीटिंग करते हैं, पूरा इंडिया का प्लानिंग के अनुसार वो किया गया है, तो हम लोगों को डिटेल बना करके मेरे को भेजना है अभी, तो डिटेल कुछ निकाल के भी होटल से 2-3 लीडर्स को मैं भेजा था, कुछ डिटेल्स भेजा हूँ, और सब चीज क्लियर हो जाएगा फाइनल, और उसके अनुसार फिर आप लोगों को सर्कुलेशन हो जाएगा। जैसे दिल्ली का इवेंट फाइनल हो जाए, इवेंट होने लगेगा, तब तक नेक्स्ट इवेंट और सब इवेंट का जानकारी आ जाएगा। सर आप तो प्रोग्राम कर रहे, बहुत बढ़िया बात है सर, लेकिन ये जो आज सर आ रहे अचानक से, हमें तो पता चल गया था कि इंडिया बहुत जल्द एंड्रयू सर आने वाले हैं, लेकिन ये चीज का इन्फॉर्मेशन मैंने ऑफिशियली हम लोगों को कहीं नहीं मिला, आज अचानक से जो आप जूम किए बोल के हमें पता चल गया कि एंड्रयू सर आ रहे हैं बोल के 21 तारीख को, मैंने ज्यादातर कम्युनिटी को पता नहीं है एंड्रयू सर आ रहे बोल के, ठीक है। हाँ, अभी तो हमारा जो टॉप काउंसिल लीडर है, मेरे को लग रहा है कि उनको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए कि ये बात सभी तक पहुंचे, सभी के पास, यही तो पहुंचाने का तो काम कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आप लोग इसमें अभी 81 लोग जुड़े हुए हैं, प्लस में यूट्यूब में डालेगा, फेसबुक में है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को पहुंचाना है बाद में, और डेली अभी मीटिंग चलेगा, हम तो अपना टीम को जरूर इस न्यूज़ को, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, सभी को पहुंचाना जरूरी है, इसके बाद सब चीज कहना चाहिए सर्कुलेट हो जाएगा। ठीक है मेहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम दिए आपने, बहुत समय दिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो है ये रॉबिन कुमार जी, रॉबिन्स कुमार जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, रॉबिन्स, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, रॉबिन्स कुमार जी मैं आपको मैंने भेजा आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट जी। सर नमस्कार सर, नमस्कार सर, और ध्रुव सर को सर बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है सर जी, सर हमने सीआरयू को 2019 में हम स्टार्टअप किए थे, और सर इसमें हम टीम बनाए थे, इसमें 150 का लोगों का टीम बनाए थे, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन हमको गाइड नहीं होने पाने के कारण जो है हम इसमें अच्छा कर नहीं पाए, और हाँ सर कंटिन्यू आपसे बातचीत, हमको जब आपके बारे में जब पता हमको चला था, आपसे बातचीत किए कि नया नया आने वाला है, तो हमेशा आपको हम सर बोलते रहे कि सर हमको बताइएगा नया क्या आने वाला है ना, तो सर आप हमको बताएं, और हम इसमें सर प्लानिंग हम करना चाह रहे हैं कि एक बड़े लेवल पे हम प्लानिंग करें जी, और इसमें जैसे अभी सर मान अभी $100 से अगर बाय करते हैं, मेरा क्वेश्चन यही कि मैं $100 से अगर बाय करता हूं पहला पैकेज, और हम एजेंट बनते हैं, $200 खुद का इन्वेस्टमेंट होता है एजेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद मैनेजर के लिए $1,000 चाहिए, तो सर एक चीज बताइए कि जितने जैसे हमने $1,000 वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और $200 मेरा वहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो जितने लोग मेरे डॉन में आएंगे वो क्या वैलिड रहेंगे या इनवैलिड हो जाएंगे? जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि आपके नीचे डाउन में जो रहेंगे जी, जो पहले से लगे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, नया नया जैसे सर नया एजेंट के लिए चाहिए सर $200, ठीक है, हाँ $200 चाहिए, और मैनेजर बनने के लिए सर $1,000 चाहिए सेल्फ का, ठीक है, हाँ तो $200 हमने अपना पैकेज बाय किया, ठीक है, पैकेज बाय करने के बाद हमने दो एक पार्टनर बनाया और एक कंसल्टेंट बनाया, यानी कि 50-50, 100 और दो दो चार $500 का बिजनेस किए, ठीक है, हाँ ना, और सेल्फ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मात्र $200 का है यहाँ पे,
तो यहाँ पे तो हम एजेंट बन गए। उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए चाहिए $500 और मैनेजर के लिए चाहिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1,000। ठीक है, है ना। तो सर अगर हम $500 यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए हम नहीं पे करते हैं और हाँ प्रेजेंट में हम नहीं करते हैं, फिर एक सप्ताह या दो सप्ताह जैसे मेरे पास पैसा जब होता है तो यहाँ पे फिर से हम पैकेज $300 जो मेरा बच रहा है वो हम यहाँ पे बाय करते हैं, है ना। बाय करने के बाद जो मेरे नीचे जो सर डेप्थ में जो लाइन जो लगा है वो क्या वैलिड रहेगा इनवैलिड हो जाएगा सर? वैलिड रहेगा, आप उसका लाभ ले पाएंगे और 200 रहेगा, 300 लेकर के टॉप अप करके 500 यूनिट आपका काउंट हो जाएगा। अच्छा काउंट हो जाएगा, हाँ वैलिड रहेगा, उस लाभ मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, बस यही है कि आपका अगर कंसल्टेंट नहीं बनते हैं तो आपका तीन लेवल के बाद चौथा पांचवा सातवां दसवां अगर लेवल से कोई आते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है एजेंट बनने से, नहीं तो आप एजेंट बन के भी सारा लाभ ले सकते हैं। अगर जो छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं और उनके पास अगर फंड नहीं है तो छोटे से शुरुआत करके भी टीम कम से करके भी आप उनको टॉप अप करके बन सकते हो। वही वही मेरा वही पूछने का मतलब है सर। ठीक है, क्लियर हो गया सर? क्या सर क्लियर हो गया होगा? हाँ क्लियर हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रोबिन जी, आपका सवाल का आंसर मिल गया है। आप अच्छे से काम करिए, कोई इश्यूज नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत होगा हम लोग आपके साथ हैं। योगेश जोशी जी प्लीज अपने आप को। सर नमस्कार, मेरा क्वेश्चन सर ये है, जैसे हमारे बैक ऑफिस में सीआरयू के जो यूनिट्स हैं, ठीक है सर, उससे इसका एवसेंट पैकेज बाय हो जाएंगे? जी हो जाएंगे, इवोरेज आपको सीआरयू के बैक ऑफिस से ही, अभी इवोसेंट का जो लॉन्च हो रहे हैं वो सीआरयू बैक ऑफिस से ही लॉन्च हो रहे हैं, वहीं से मिलेंगे आपको। हाँ जो यूनिट्स उसमें है उसी से वो हो जाएगा ना, जो पुराने हाँ, है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर, एक क्वेश्चन था। और दूसरी चीज सर एक सीआरयू के रिगार्डिंग था मेरा, जैसे हमारा अभी बिजनेस अकाउंट ओपन होता है, बिजनेस अकाउंट ओपन होने के लिए उसकी दो क्राइटेरिया है, यानी या तो $2,600 का डॉलर का पैकेज हो गया, या तो फिर जो 10 या 11 लाख की जो सीआरयू की क्वांटिटी है वो है। क्या ऐसा फ्यूचर में कोई प्लान ऐसा हो सकता है कि जैसे हम इसमें यूनिट और डॉलर में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद किसी पैकेज को बाय करते हैं? आपकी तो बात को समझ नहीं पा रहे हैं सर। एक्चुअली जैसे बिजनेस अकाउंट है ना, बिजनेस अकाउंट का एक जो मॉड्यूल है इसमें $2,600 का है। $2,600 का नहीं, $26,000 का है। हाँ $26,000, और अदरवाइज अगर $26,000 नहीं है तो ऑप्शनल है कि सीआरयू है उसकी जो भी क्वांटिटी है 11-12 लाख की वो क्वांटिटी, मतलब कि आपको जो सीआरयू है वो $26,000 के बराबर भी होनी चाहिए। हाँ सीआरयू की वैल्यू वो होनी चाहिए। जी जी, तो मेरा कहना यही है जैसे सर इसमें यूनिट वैल्यू अकॉर्डिंग टू डॉलर है, मान सकते हैं आप बिल्कुल। हाँ अप्रोक्सीमेट ये है, तो इसमें क्या ऐसे पैकेज भी सीआरयू के थ्रू बाय हो सकते हैं इन फ्यूचर? कोई प्लान हो जिससे कि हमारा इसके डैम्पिंग की जो इशू है वो भी सॉल्व हो और लोगों के लिए इजी हो जाए जिसके पास सीआरयू अनलॉक अवेलेबल हो? देखिए सबसे पहली बात है कि यदि आपको अगर बिजनेस अकाउंट खोलना है तो या तो आप डायरेक्टली उतना डॉलर का इन्वेस्ट करिए और खोल लीजिए, या उसके वैलिड अगर सीआरयू है तो उसको कन्वर्ट करके आप कर लीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिए है, इसका फीस बढ़ने वाला है, $35,000 होने वाला है, आपको जानकारी के लिए बता दें। और रहा बात कोई बदलाव का इन फ्यूचर में, तो इन फ्यूचर में जब आएगा तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगा, ठीक है, और बिना कोई भी हमारे पास एकदम हमारे पास जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम उसके बारे में आपको बता नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन जिनको भी अगर खोलना है तो अभी टाइम है, खोल लीजिए, क्योंकि वो 26,000 से 35,000 होने वाले हैं, 9,000 ना मतलब कि डॉलर के बढ़ने वाले हैं उसमें। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। विष्णु कुमार जी प्लीज। विष्णु जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार, आवाज आ रहा है सर? जी जी नमस्कार जी बिल्कुल सर। 22 फरवरी को WCR जो लिस्टिंग करेगा सर, किसने बोला आपको लिस्टिंग करेगा? एक मिनट, कोई 22 तारीख को WCRU का सेकेंड फेज का सेल स्टार्ट हो रहा है, वो लिस्टिंग नहीं हो रहा है भाई साहब, ठीक है ना।
लिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि अब कोई भी एसटीओ होता है वो एक साल बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो सेक को सौंपती है, ऑडिट करा करके अपना सारा रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को सेक वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद उसे अप्रूवल देती है, उसके बाद वो एसटीओ में एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, ठीक है ना। और एसटीओ एक्सचेंज अभी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत कम है, बट ये जब भी आएगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीओ एक्सचेंज में ही आएगा। तो 22 तारीख को ऐसा कुछ भी लॉन्चिंग नहीं होने वाला है, फिर भी 22 तारीख को जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे सीईओ आ रहे हैं वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे 22 को। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और 22 तारीख को सेकेंड फेज का सेल स्टार्ट हो रहा है, अभी लिस्टिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है विष्णु जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। अब मोहित मोगे जी डालने के बाद अनस्टैक किया 13 तारीख को ही इसी महीने, तो मेरे सीआरयू अब तक आए नहीं है वापस। देखिए अनस्टैक करने के बाद सर आपको रिफ्रेश फ्रोजन एंड रिफ्रेश बैलेंस करना पड़ता है, आपने करा है? हाँ सर किया है, दोनों भी किया सर। तो हो क्या है, रिफ्रेश फ्रोजन एंड रिफ्रेश बैलेंस किया है आपने? रिफ्रेश फ्रोजन किया है ना। देखिए रिफ्रेश फ्रोजन में क्या होता है कि रिफ्रेश फ्रोजन जब करते हैं तो आपका एक नंबर चलता है, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन आपका एक नंबर चलता है 10, 15, 20, ठीक है ना। वो तो नंबर दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रेश बैलेंस करना है। अगर आप रिफ्रेश फ्रोजन कंप्लीट नहीं हुआ है और रिफ्रेश बैलेंस करेंगे तो वो शो नहीं करेगा। तो रिफ्रेश फ्रोजन को कंप्लीट होने दीजिए, जितना भी उसका नंबर बताता है 10, 20, 50, ठीक है ना, उसके बाद रिफ्रेश करके देखिए। यदि वहां आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर के देखिए वहां पे क्या दिखा रहा है, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं सिलेक्ट फ्रोजन सीआरयू लिखा है वहां पे करना है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, आपने आपने अनस्टेक करा है या नहीं करा है? अनस्टेक किया है मैंने, मतलब जो सीआरयू थे मेरे पास उसको मैंने अनस्टेक किया है 2013 तारीख को ही, इसी महीने 13 तारीख को, पर अब तक वहां पे लिखा था 72 आवर्स। हाँ हाँ, पर अब तक वो रिफंड बैलेंस नहीं आया यहाँ पे मेरे को। मुझे सर आपका कुछ टेक्निक है, या तो आपने सही तरीके से उसको उसे अनस्टेक नहीं किया है, ठीक है ना। आप एक बार मेरे से पर्सनली आप आ जाइएगा, आप मेरे को स्क्रीन शेयर करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे कॉल नंबर पे, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, कोई इशूज नहीं है, नॉर्मल इशूज है। फिर भी करना होगा आपका काम पहले एक बार मेरे से आप एक बार इसके बात कर लीजिएगा, मैं आपका हो सकता है मेरे से प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, बट मुझे आपका नंबर मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, फिर भी अभी दोबारा डाल दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। कि मैंने आपका नंबर अपना नंबर डाल दिया है। ठीक है सर, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया आई थिंक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत सिंह जी प्लीज अनम्यूट देयर सेल्फ सर। जी सर जी, मेरा क्वेश्चन है भी पिछले साल 25 मार्च को एक स्टेकिंग लगाई थी हमने, 8% उसमें बोला गया था भी आपको रिटर्न मिलेगा जून से, बट उसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं मिलता, मतलब क्या चीज है। ये पहला क्वेश्चन है जी। ध्रुव सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, उसमें बोला गया था कि आप क्वेश्चन खत्म हो गया तो हम आंसर दें। हाँ जी हाँ जी, आंसर दीजिए, मैं पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया है। जी 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 सर बोलिए।
अच्छा 8% आपका क्या हो गया उस पे नहीं मिल रहा है, फिर से एक बार बोलिएगा तो शॉर्ट में। नहीं सर वो 25 मार्च को स्टेकिंग लगी थी वो दो थी। तुरंत की थी ने जून से, उसके सारा साल निकल गया अभी तक कुछ उसका कोई सारा वहां पे ऑप्शन है। Recording in progress. सीआर कर करे हैं वहां पे, वो तो यूएनटी भी आते हैं सर। नहीं नहीं सीआरयू की बात कर रहा हूँ, सीआरयू टू सीआरयू की बात कर रहा हूँ। हाँ वहां क्लेम नहीं किया कुछ तो आपको ना मिनट रही है। कभी भी ना, क्योंकि बहुत रिक्सी होता है लेकर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से बताया था जैसे राकेश जी, यहाँ से आप अगर स्टेकिंग किए हैं तो इसको रिफंड लेंगे तभी जा करके आपको सीआरओ मिलेगा। लेकिन आपके केस में आप यहाँ से रिफ्रेश बैलेंस रिफ्रेश फ्रोजन किए होंगे, फिर भी अगर आपको यहाँ होगा स्टेकिंग में जाएंगे, स्टेकिंग में आप यहाँ का बात कर रहे हैं सीआरओ टू सीआरओ, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ देख लीजिए इस बटन को क्लेम सीआरयू है, यहाँ से रिफ्रेश आपको करना है। तो जो भी आपको स्टेकिंग का ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ करूंगा, मेरे को ऑलरेडी मिल गया है, आपके जो 6 डिजिट का पासवर्ड होगा उसको डालेंगे और डालने के बाद यहाँ आ जाएगा। और जो स्टेकिंग किए होंगे यहाँ पे अभी 6 महीना चाहे जितना भी दिख रहा होगा, वो तो आपके पास यहाँ आ करके वो क्लेम होकर के दिख जाएगा। और फिर ये जो दिखेगा और इसके ऊपर आप उसको दोबारा स्टेक कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे या एक्सचेंज पे ले पाएंगे, सारा चीज कर पाएंगे। उसके लिए आप यहीं से जा करके आपको स्टेकिंग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टेकिंग आप कर दिए होंगे अगर डब्ल्यू सी आर यू या फिर सी आर यू या UNTV, तो उसको भी क्लेम बीच बीच में करते रहेंगे तब जा करके फ्रीली काम होगा। यहाँ फोर्स अपडेट इसको भी कर लीजिएगा, अगर यहाँ से नहीं आता है आपको सी आर यू से, तो सारा चीज करने के बाद यहाँ पे शो होने लगेगा, फिर क्लेम कर लीजिएगा आपको आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आएगा और ये जो क्लेम करके मिलते हैं ये सीआरयू ही मिलते हैं ना, ये डब्ल्यूसीआरयू तो नहीं मिलते? नहीं नहीं सीआरयू मिलेगा आपको। ठीक है ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है सर, मतलब कि जो एंड्रे सर आ रहे हैं दिल्ली के लिए, उसके लिए कोई क्राइटेरिया है जो हम सभी आ सकते हैं? अभी क्राइटेरिया का अभी फाइनल नहीं हो पाया है, जैसे ही फाइनल उसके अनुसार मतलब सर्कुलेट हो जाएगा, ग्रुप में आप जुड़े होंगे उसमें मिल जाएगा। या मीटिंग हम लोग लगातार अभी करने वाले हैं पर डे, उसमें हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे कि इस होटल में हो रहा है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफी समय पे हो रहा है, क्योंकि समय कम है, इसलिए सही अपडेट आएगा आपको, आप तक पहुंच जाएगा हर हाल में। अच्छा, और जो इवोसेंट के जो रैंक है, जैसे हम मैं कंसल्टेंट हूँ तो वो मतलब जो मेरा रेफरल लिंक मैं किसी को करूंगा तो वो एवरेज के रेफरल लिंक से करूंगा, और उसमें जो हाँ जो रैंक है वही आगे बढ़ेंगे जो वो लग से चलेगा कुछ ये जो हमारे पुराने रैंक है 31 मार्च तक पुराना रैंक जो भी है वो सारे उसी रैंक पे काम होगा। लेकिन नीचे वाले अगर एक्टिव होते हैं, इवोसेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो भी काउंट हो जाएगा पुराने वाले सब। आप जिस रैंक में हैं यथावत उसी रैंक में आ जाएंगे। अगर लोग पुराने एक्टिव नहीं है, नए लोग को आप इन्वॉल्व करते हैं या जैसे भी करते हैं आपके रैंक को बढ़ाने के लिए, तो जो नया रैंक बनेगा वो आपको 31 मार्च के बाद काउंट होगा, और उसी पे आप गिफ्ट ले पाएंगे, उसी पे बोनस ले पाएंगे, जैसे टोकन का बोनस मिल रहा है तो सारा चीज ले पाएंगे। ये पुराना रैंक तो रहेगा ना, भी अगर कोई बंदा नहीं भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है वो तो रहेंगे ना। मार्च मार्च तक रहेगा, 31 मार्च तक।
सर एक चीज और क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहेंगे कि सर आप ये मान लीजिए गुरप्रीत सिंह जी, आप ये मान लीजिए कि आपका रैंक शून्य हो चुका है, आप एक क्लाइंट, आप एक मतलब कि यूजर बन चुके हैं या पार्टनर बन चुके हैं, आप ये मान करके चलिए कि आप पार्टनर हैं और आपके जो प्ले लाइन जो है उन सभी लोगों से फिर टॉप अप कराइए, जैसे जैसे टॉप अप करेंगे उनका रैंक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक आपका भी रैंक बढ़ जाएगा। आप ये मान के चलिए कि आप एकदम नए सिरे से काम चल रहे हैं, अगर पुराने स्ट्रक्चर को यूज करना है यूज करिए और उनके उनके भी टॉप अप कराइए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन जब भी टॉप अप कराइएगा ऊपर से नीचे की ओर कराइएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं कराइएगा, नहीं तो कमीशन किसी को मिलेगा। ऊपर से जैसे पहले आपने आपको टॉप अप कराया उसके बाद फर्स्ट लाइन में, उसके बाद उसके सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, इस तरीके से, ठीक है ना। और बाकी अगर आपका जो रैंक रहते हुए अगर आपने अचीव कर लिया तो वही रैंक आपका सस्टेन कर जाएगा, अदरवाइज वो जीरो हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप फिर से अपने आप को शून्य मान करके काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। काम तो सर करते ही रहेंगे, हमने करना ही है, बट पुरानी मेहनत जो हमने सीआरयू के मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लीडर मैनेजर हूँ अभी, ठीक है ना, मेरी रैंक लीडर मैनेजर है, तो मैं लीडर मैनेजर कब तक रहूंगा, जब तक मेरा जो स्ट्रक्चर है वापस सभी लोग उसको टॉप अप नहीं करेंगे, तभी वापस सभी लोग उसी स्ट्रक्चर वे में उसी वे में मेरे नीचे जो है कि पहले जो था कि दो दो लेकर चलता था, तो मेरे अंदर में दो मैनेजर बने, ठीक है ना, तो अभी चार मैनेजर चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए था मैनेजर के अंदर दो, तो अभी चार चाहिए, तो अभी चार फोर लेकर चल रहा है ना सर आपको, तो पुराना स्ट्रक्चर को यूज करिए, लेकिन उस स्ट्रक्चर में आपको एड ऑन करना पड़ेगा, तभी तो आपको जो आपका जो करंट रैंक है वो सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा 31 मार्च के बाद वो फिर से जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो इन द सेंस कि आप यूजर हो जाएंगे या तो पार्टनर हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम क्यों ना अपने जो जो मेरा फर्स्ट लाइन का जो लीडर्स हैं, सेकेंड लाइन के लीडर्स हैं, मैं उनको मोटिवेट करूँ और उनको उनको टॉप अप करा करके, खुद टॉप अप करके स्ट्रक्चर को मैं फिर से रिफ्रेश कर लूँ और नए स्ट्रक्चर भी बना लूँ कुछ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पुराना स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये दूसरा क्वेश्चन है ये कि एक जो रैम और सीपीयू, इसका आज तक नहीं कुछ समझ पाया भी, कितने डब्ल्यूसी जहाँ कितने हमारे स्ट्रक्चर के लिए कितनी चाहिए होती है, वो डर सा लगा रहता है भी यार इतनी और बढ़ानी है करनी है, उसका कोई सेमिनार अलग से करवाया जाए कि अगर आपके पास इतना पोर्टफोलियो है तो आपको कम से कम रैम और सीपीयू इतनी चाहिए चाहिए। सर वो पोर्ट रैम सीपीयू रेट का जो यूज है वो पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं होता है, ये आप पहले इसको समझिएगा, वो ट्रांजेक्शन पे होता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, मतलब कि ट्रांजेक्शन इन द सेंस कि नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाख दो लाख का नहीं, नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा उतना ज्यादा आपका रैम सीपीयू और नेट इसका खपत होगा, वो कम होते चले जाएंगे, तो कम होते चले जाएंगे तो आपका जो ब्लॉकचेन का जो वॉलेट है वो स्मूथली रन नहीं करेगा, उसमें टाइम लगेगा, एरर आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप रैम सीपीयू और नेट को बाय करके रखें, जिसकी वजह से आपका अकाउंट स्मूथली चलेगा और वहां पे जो एक सर्कल दिखता है गोल सर्कल, वो आपको दिखाता है कि आपके पास कितना रैम है, कितना नेट है, कितना सीपीयू है, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप रैम सीपीयू नेट को, मतलब कि रैम को तो सडनली कभी भी बेच सकते हैं, वो वापस यूएनटीपी में सडनली आ जाएगा, प्लस सीपीयू और नेट को आप अनस्टेक करेंगे वो अनस्टेक भी हो जाता है। तो आपके पास जो अभी रैम का रेट कुछ बढ़ा था, नीचे आया, बट वापस फिर से बढ़ जाएगा, जैसे जैसे हमारा ट्रांजेक्शन अभी जिस तरह से बढ़ रहा है, हमारे ब्लॉकचेन काफी पहले से काफी एक्टिवली रन कर रहा है और लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं, मतलब उसका यूटिलाइज ज्यादा हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका रैम सीपीयू नेट का खपत तेजी से बढ़ रहा है, उसका डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप रखिए, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं है, उसको जब चाहे तो आप सेल करके यूज भी कर सकते हैं, रैम को सेल कर सकते हैं, यूएनटीवी और सॉरी सीपीयू और नेट को में जो आपका यूएनटीवी लगे हैं उसको अनस्टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक टेक्निकल है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, उसके लिए कोई पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं होता है। ओके, क्लियर है सर। और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मतलब की हमारा पोर्टफोलियो चाहिए था रैंक के लिए, जैसे मैनेजर के लिए 1000 है, जहां लीडर मैनेजर के लिए मान लो 1500 है, तो उसमें जो पुराना है वो काउंट होगा, वो तो काउंट होगा या वो भी अलग से करना पड़ेगा। सर नए सिरे से टॉप अप करने हैं, मैंने बोला है आपको ना, अगर आपको एजेंट बनना है तो 200 यूनिट करने पड़ेंगे,
कंसल्टेंट के लिए 500, 1000, मैनेजर के लिए 2000, लीडर मैनेजर के लिए टॉप अप करने पड़ेंगे आपको। ओके 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 थैंक यू। क्लियर है? ओके जी, धन्यवाद सर। गोविंद चौधरी सर प्लीज अनम्यूट देयर सेल्फ। इसके बाद लास्ट करेंगे सेशन को, क्योंकि लंबा जी हो गया जी। बस जब्बर सिंह सर हैं। गोविंद चौधरी सर। हेलो जी सर, बोलिए सर। आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल आ रही है। रजत सर, ध्रुव सर, दोनों को नमस्कार सर। नमस्कार सर। उदय, मेरे साथ में जो कंडीशन हुई है, जो मेरा क्वेश्चन तो हल हो गया, मैं सुन सुन के जो क्वेश्चन करना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ध्रुव सर को मालूम है, मेरा किसी ने की चुराई हुई है। इसका सलूशन आपको डायरेक्ट आंद्रे सर आएंगे, वहीं पे हम लोग भी रखेंगे, ये कई बार रख चुके हैं सामने, ऑन द स्पॉट बात करेंगे, वहां आप भी रहिए और फेस टू फेस बात होगा, वहां पे क्लियर आप भी समझ जाएंगे कि क्या समस्या हो रहा है, कहाँ पे मामला अटक रहा है, कई चीज। जैसे मैं अभी बोल दूंगा कि सर हो जाएगा, अब नहीं होगा तो फिर मेरे सर बोलेंगे कि नहीं, तो लेकिन नहीं हुआ। कंडीशन सर जो पहले जो की भलाई हुई थी वो तो एक अलग अलग प्रोसीजर था, ये प्रोसीजर अलग है कि मेरे पास की भी है। ठीक है, की है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरे पास की है, मैंने जनरेट की है, मालूम नहीं है किसी ने कैसे चुराई है, और वो उससे मेरी रैम भी बेच दी, उसने 6000 यूनिट भी निकाल ली है, और तो मैंने 20000 8% के लगाया था, जो 800 सीआरयू मुझे पर मंथ आते हैं जी, वो भी उसने निकाल लिए। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसा कहीं पे रख दिए हैं और उसका चाबी मतलब और लोगों को दे दिए हैं, और वहां से बिल्कुल बिल्कुल यही कंडीशन होगी सर, जरूरत के अनुसार वो निकाल रहा है, फिर इसके बाद फिर उसका कंप्लेन करने जाते हैं, मतलब बैंक वाले के पास, कि मैं तो पैसा मेरे पास है और मेरा समस्या करे, तो ऐसी बात हो जा रही है आपकी, आपकी खुद का गलती है, इस पे सलूशन कुछ हो जाएगा, ऑफिशियली हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मैंने किसी ने की भी अपने हाथ से मैंने जनरेट की हुई है, और मालूम नहीं है कहां से कैसे चुराई है। सर इसका थोड़ा सा मैं आपको एक टेक्निकल आंसर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले तो आप एक सेकेंड वॉलेट को क्रिएट करिए जी, ठीक है, सेकेंड वॉलेट को क्रिएट करिए। देखिए एक्चुअली में की उसके पास चला गया, वो कुछ नहीं हो सकता है, मेरी बात को समझिए। अगर आपने प्राइवेट की खो दिया, किसी के पास चले गए, अच्छा प्राइवेट की तो चला गया ठीक है, उसके पास आपका ब्लॉकिंग का एड्रेस कैसे चला रही है बताइए, यानी कि उसके पास आपके आईडी का भी जो आपका जो सीआरयू बैक ऑफिस का जो आईडी पासवर्ड है वो भी होगा, तभी तो आपका आईडी पासवर्ड निकाला है बंदे ने, मानता है कि मैंने किसी को दे दिया अपना, लेकिन वो आपका आईडी पासवर्ड भी जान रहा होगा, वहां से उसने ब्लॉकचेन का आपका एड्रेस ढूंढा और आपका सीड फ्रेज से वो यूज कर रहा है, तो उसका सबसे पहले तो सॉल्यूशन वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक दूसरा वॉलेट को क्रिएट करिए, नया वॉलेट को क्रिएट करिए, और अपने फंड को जैसा जैसे रेडी हो रहा है, जैसे सीआरयू जो भी रेडी है, यूएनटीबी जो भी रेडी है, उसको उस नए वॉलेट में ट्रांसफर करते जाइए, इसका एक सॉल्यूशन है। सर मेरे पास आईडी तो दूसरी है, मैं वो काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पहले निकाल लिए उसने मेरी रैम। सर आपने जब निकाल लिए तो आपको पैनिक होना पड़ेगा, उसको करने के पहले आपको करना पड़ेगा सर, फिलहाल तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी हम लोग आईटी डिपार्टमेंट इसका रखे हैं बात की, सर ऐसा कुछ दीजिए जिससे कि हम उसको एज ए पिन के थ्रू या कोई सिक्योरिटी दीजिए जिससे कि हम लोग को सिक्योर कर पाए, ये केस एक दो केस और भी उसका वॉलेट एड्रेस तो दिखाई दे रहा है सर जिसपे उसने ट्रांसफर किए हैं, तो वॉलेट एड्रेस से भी होगा, अगर वॉलेट एड्रेस है तो बहुत अच्छा है, उसको रखिए, उसको हम लोग कंप्लेन को रेज करेंगे, और उसको टेलीग्राम पे भी मैंने दिया, मैंने ये चोर है, मैंने लिख के दिया वॉलेट एड्रेस। सर वैसा नहीं होगा, मेरी बात को समझिए, उसका एक आपने जो रखा है ना आप रखिए, उसको हम लोग टेक्निकली डिपार्टमेंट से हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने का, ठीक है ना, प्रॉमिस नहीं करेंगे बट वी विल ट्राई। चलो 22 तारीख को दिल्ली। ओके 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 सर, थैंक यू। मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर इसका और भी सलूशन है गोविंद जी, अगर आप जितना अनब्लॉक है उसको कर लीजिए, और जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है उसको सीआरई को डब्ल्यू सीआरई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साल भर तक आपका लॉक हो जाएगा सर। डब्ल्यू सीआरई तो मैंने सारा करीब है 2.5-3 लाख रुपए वो मैंने कर रखे हैं डब्ल्यू में,
और जो उस पे 6000 से स्टैकिंग पर आ रहा हूं, स्टैकिंग कर लिए वो मैंने नहीं, सीआरयू की बात कर रहा हूं सर। अगर आपके पास है और वो चोरी हो रहे हैं, आपके पास उसका वॉलेट है, उसको कन्वर्ट अगर कर लेंगे तो साल भर तक कोई भी आपका नहीं निकाल पाएगा, साल भर तक कोई ना कोई सलूशन आ जाएगा। और नहीं तो फिर रखे रहिए इंतजार सर, करते। वो मैंने जो बताया ना, वो हर मंथ जो आते हैं सीआरयू, वो निकाल रहा है, वो तो मैंने बाकी तो कन्वर्ट कर लिए वहां से। उसको आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा ना, डेली चेक करना पड़ेगा। गलती तो आप कर दिए हैं, उसका वही सलूशन है। मालूम नहीं कैसे गलती हुई है, मालूम नहीं। देखिए अगर आपको टाइमिंग उसका पता है तो उसके करने के पहले उस टाइम पे आप खुद ही उसको क्लेम करके विड्रॉल करिए। एक सोल्यूशन उसका वो है। दूसरा सोल्यूशन अभी उसको लेकर हम लोग, जैसे आप उसका जो सही बता रहे हो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिख रहा होगा उसका आईडी, उसको नोट करके रखिए, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट से फिर आपको रिप्लाई देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट कर रखिए और सर को भी दिया हुआ जरूर सर को। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, हम लोग लास्ट दो कॉल है, जबर सिंह जी हैं और एक कमल सैनी जी हैं, दो कॉल लेंगे उसके बाद फिर हम लोग आज का वेबिनार, काफी टाइम हो चुका है, 10 बज गया है। तो जबर सर, सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज अनम्यूट करें और अपना सवाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी देर के बाद नाम दिया है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और सुनाइए, पहली बात तो ये है कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका, हमें आप जी बता दीजिए इसमें फोटो के लिए नया मैं बंद कर लूं, जिससे कि आपको पता तो लग गया होगा मैं ही हूँ। जी 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 जी, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि एबोसेंट को आप लोग प्रमोशन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए सभी को, परंतु ये बताओ कि एबोसेंट जो पहले एक साइट अलग थी जिसमें वॉलेट अलग दिख रहा था, अभी इनने जोड़ दिया है सीआरयू वॉलेट के साथ में, ठीक है, और वहां पे बोला जा रहा है कि 24 तारीख को मान ली ओपन हो रहा है, तो 24 तारीख से पहले हमें फंड वहां पे ऐड करना है, राइट, ठीक है जी। चलो, लेकिन जो टीम से नीचे से बिजनेस आएगा वो आएगा एबोरिच में, ठीक है, और वहां से ट्रांसफर का कोई मतलब वो नहीं है, सलूशन नहीं है कि आप एबोरिच से ट्रांसफर करके सीआरयू में ले जाओ और वहां से आप पैकेज बाय कर लो, तो ये फंडा समझ में नहीं आ रहा, ये कंपनी क्या कर रही है, क्या है? आप या तो हमारे को अगर बाय वहीं करा रहे हो तो वहीं पे दो कमीशन, और यदि आप एवरेज में दे रहे हो तो हमें ट्रांसफर का ऑप्शन दो, ये क्या है, मतलब आप हमें दो जगह क्यों उलझा रहे हो? सर मैं इसका बारे में थोड़ा, जी आइए बोलिए। देखिए अभी जो ये चीजें आपने बोला है ट्रांसफर का, तो एवोरिज से डब्ल्यू सी आर यू में ट्रांसफर का ऑप्शन में भी ओपन होने वाला है, पहला बात, ठीक है ना। दूसरा बात कि कंपनी फंड ऐड करा रही है सी आर यू बैक ऑफिस में और कमीशन दे रही है एवोरिज में, यस, तो ठीक है ना, तो उसका ये टेक्निकल आंसर है, इसके लेकर हमने ऑलरेडी क्वेरी रेज करा है, ठीक है ना, हमने टॉप काउंसिल के थ्रू कंपनी को भेज दिया है, लेकिन वहां पे उन्होंने बोला है कि हम लोग इंडिया में आएंगे तो आपको इसका प्रॉपर चीजें लाइव करके दिखाएंगे। हाँ, एक चीज उन्होंने ये चीज बोल दिया है, अगर एवरेज में है वो फंड हम लोग उसको ओपन करने वाले हैं इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए, ताकि वहां पे किसी का फंड अगर पड़ा हुआ है, किसी का कमीशन पड़ा हुआ है, तो उसे आप सीआरयू बैक ऑफिस में ले जा करके उसको आप पैकेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो आंसर है उसका आंसर आपको 22 तारीख को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी उसके आए नहीं हुए, हमने भी ऑलरेडी क्वेरी रेज कर दिया है। अच्छा, ओके जी, चलिए, मतलब आपके पास अभी जवाब नहीं है इसका, ओके सर। जैसे फंड में लेकिन कमीशन मिल रहे, तो वो इंटरनल टेक्निकल लीगल इशू हो सकते हैं। टेक्निकल नहीं है सर, ठीक है, राकेश राकेश जी, टेक्निकल नहीं है ये, वहां से विड्रॉल को रोका गया है, आप वहां ट्रांसफर रोका गया, ये टेक्निकल कैसे हो सकता है, पहले भी तो ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है सर। सर स्टार्ट होने में क्या 2-4 साल लगेंगे, आज एक महीने से परेशान है लोग, पैकेज नहीं बाय कर पा रहे हैं, अपना जो है सुनिए, 24 तारीख से पहले खुल जाएगा।
24 तारीख से पहले खुल तो जाएगा। किसी को जो है प्रॉफी इन्वेस्टर का पैकेज लेना है, उनके खाते में काफी दिनों से पैसा पड़ा हुआ है, किसी ने विड्रॉल मारा हुआ है अपना क्रिप्टो वॉलेट में, एवरेज से अपना जो है वॉलेट में मारा हुआ है, यूएसडी कन्वर्ट किया हुआ है, वो 1.5 महीने हो गए वो नहीं आया, वो भी टेक्निकल एरर है। आखिरकार टेक्निकल एरर सिर्फ फंड देने में आ रहा है, लेने में नहीं आ रहा? आप बिल्कुल आपका कहना सही है सर, आपको फंड लेने में कोई टेक्निकल एरर नहीं, चाहे क्रिप्टो से दे दो, चाहे INR से दे दो, चाहे अपने वीजा कार्ड से दे दो, और जब देने की बारी आती है तो टेक्निकल एरर है। ये क्या है फंडा? अभी तक हमने इसीलिए अपने आधिकारिक जो भी पद थे सारे छोड़े थे, सिर्फ यही टेंशन से कि हम लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, लोगों को हम जवाब नहीं दे पा रहे, हम लोगों को प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे, और आप इतना साथ के बोल जाते हैं लोग, मतलब क्या है ये? ऐसे थोड़ा होता है कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे टेक्निकल। आप पेमेंट 6 महीने, आज 1 साल हो गए पेमेंट ले रहे हो क्रिप्टो करेंसी से, पेमेंट ले रहे हो वीजा कार्ड से, और देने में आपको 6-6 महीने लग रहे हैं। $234 का विड्रॉल मारा हुआ है रेट में, आज USDU कन्वर्ट हो नहीं है, टेक्निकल एरर है। और आप कहते हो कि हमारे ब्लॉक चेन पे डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, आप 10,000 CRU को ट्रांसफर कर सकते हो, ये सेंट्रलाइज हो गया। और वहां पे अगर सीड फ्रेस की बात आती, किसी का चोरी हो रहा है, तो वहां पे आप सेंट्रलाइज नहीं रह जाते, वहां डिसेंट्रलाइज हो जाते हो। कब तक कितने फार्म भर के हमने लोगों दिए, ध्रुव जी बैठे, हमने कितने सीड फ्रेस भर के दिए, कितने बार हमने गूगल सीट बन के बना के दिए, आज तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। चीजों प्यारे हमारे को ऐसा लगता है कि आप लोग कम से कम इंडिया जो है पैसे का हनन हो रहा है, आप लोग यहाँ पे बैठ के इतना भी वो नहीं कर पा रहे हो। एक मिनट राकेश जी, बता रहा हूँ जबर जी, जो भी पहले हुआ और उसमें कई चीज रहा, और देखिए क्या होता है, कुछ चीज होता है यूनिटी और एक साथ, अगर देखिए अगर आप लोग एक साथ नहीं होके रहेंगे, केवल मैं बोलूंगा या तो मैं भी अगर छोड़ देता और मैं भी बैठ जाता, क्योंकि मेरे पास क्यों टेंशन लूं, लोगों का क्यों जवाब दूं, अगर मैं भी यही सोच के अगर बैठ जाता। अब यही कारण है कि सभी लोग जितने भी देख रहे होंगे लीडर धीरे धीरे करके छोड़ते गए, उससे ये हुआ कि लोगों का लगा हुआ है उसका मतलब, उन लोग फिर कहाँ जाएं, उनके पास सोल्यूशन फिर किसके पास होगा? तो ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे करके सोल्यूशन होगा। जब यहाँ पे CEO आएंगे वहां पे हम लोग बात को रखेंगे कि हम लोग के लिए या तो फिर इंडियन की तरफ से कुछ ऐसा इंडियन टीम बनाया जाए जो सॉर्ट आउट करे सारी टेक्निकल चीजों को, या फिर कैसे करे कि सभी लोगों का समस्या दूर हो पाए। और इसमें से तो कई समस्या ऐसे हैं जो लीडर के गलती की वजह से ही होता है, लीडर प्रॉपर गाइड नहीं करते हैं, प्रॉपर वो नहीं करते हैं, कुछ दिन जोड़ते हैं बाद में छोड़ते हैं, बाद में लीडर घुमा फिरा के अच्छे लीडर को तलाशते हैं, बाद में उनके पास फोन करके उनको फिर सुनाते हैं, वो समस्या करते हैं, कई तरह से ऐसा बात है। नहीं नहीं, वो लंबी कहानी, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। कंपनी लीडर आखिर छोड़ के जाता क्यों है, लीडर को रोका क्यों नहीं जाता? हमने सिर्फ आधिकारिक पदों से रिजाइन दिया था, ना कि कंपनी नहीं छोड़ दी। कंपनी में मेरा ही पोर्टफोलियो है और मेरी भी टीम है, और मैंने अपनी टीम को कभी गलत प्रमोशन नहीं दिया, उनको बिंदास बताया है, और आज भी अगर फोन आते हैं तो बिंदास बताते हैं, ये नहीं है कि नहीं बता रहे, उनकी अपडेट आज भी हमारे पास हो। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ आगे रहे या ना रहे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि जो कंपनी की अपडेट है वो देना है। ओके, सही है। बात ये है कि आखिर कंपनी क्यों नहीं रोक पाती है? चलो मेरी बात छोड़ो, इतने बड़े बड़े सारे लीडर चले गए, सभी लीडर गलत है क्या? सारे लीडर गलत नहीं हो सकते ना, एकाध हो सकता है, एकाध चोर हो सकता है, एकाध भागा भगोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे तो चोर हो सकते। इस बात को अगर मेरे पास रखेंगे, अगर मेरे बस का बात रहता तो केवल ऐसे चुटकी बजाता और सारे समस्या को खत्म करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी एक पार्टनर की कोई भी समस्या रहे या उनका प्रॉब्लम रहे। लेकिन कुछ कुछ बड़े लेवल की बात होती है और IT डिपार्टमेंट की बात होती है, और सारा चीज मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से होता है। कंपनी के CEO खुद यहाँ आएंगे और उसमें फिर देखते हैं कि कितने लोगों का सवाल वहाँ पे रखा जाता है और कितने लोग वहाँ पे भाग लेते हैं। तो मैं चाहूंगा दोबर जी कि आप अपने टीम के साथ दिल्ली पे पहुंचिए और CEO के सामने सारे बात को रखिए, क्यों लीडर छोड़ रहे हैं, क्या हम लोग मतलब हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर के, जितने भी सवाल हैं हम भी रखेंगे, आप भी रखिए, और सब लोग मिल करके फिर इस मिशन को
बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे हम लोग, अगर छोड़ देते हैं देख लीजिए, अगर हम लोग यही सोच के छोड़ देंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा काम मत छोड़ो, मेरा काम काम छोड़ने का नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ है अगर एक साथ आवाज उठाई जाए तो क्या सीट प्रेस लोगों की गाड़ी कमाई, जो सीट प्रेस के हमने गूगल सीट बना के दिए, लास्ट में हमारे को जवाब नहीं दे मिला, जब कंपनी ने हमें जवाब नहीं दिया, लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे सर सीट प्रेस हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी उनको, जब वो आप अगर आज प्रमोशन कर रहे हो, राकेश जी प्रमोशन कर रहे हैं, राकेश जी ने अभी चैट में नंबर डाला है देख रहा हूं मैं, तो लोग तो कॉल करेंगे ना, और लोग सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। वैसे ही हमने भी किया, हमने भी धड़ाक से नंबर दिए कि सर आप हमें कॉल कीजिए हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, पर हमने समस्या का समाधान नहीं उन्हें परेशान और किया, एक बार उन्होंने फोन किया उनसे बात की दोबारा फिर उनको टाइम दिया लिहाजा दूसरे वेबिनार में आए, तो ये काफी मामला आगे चला गया। इस मामले को जाते जाते 800 सीट प्रेस गायब है, 60 सीट प्रेस तो हमारे बॉम्बे से हमारा जो अमित राजभर है उसकी मतलब मेल आईडी से चोरी हुआ है और कंपनी उसको रिस्पांस नहीं दे रही, उसको ये भी नहीं बोल रही कि हाँ हम आप पे काम कर रहे हैं या हम आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई फोन नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता, कोई रिस्पांस नहीं, ये चैट सपोर्ट ये लीडर ये सब क्या झक मारने के लिए बैठे हैं। इस बात को सारा चीज रखते हैं और जितना भी सपोर्ट सिस्टम में है अगर अच्छा हम लोग काम नहीं करते हैं तो जानकार लोगों को वहां पे रखते हैं और फिर नए सिरे से काम हो सकता है। फिर देखिए पुराने क्या हुआ कौन लीडर क्या किए उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यही अगर देखिए प्रमोशन और जैसे लग रहा होगा कि लोग मीटिंग कर रहे हैं और अगर नहीं करते तो शायद अच्छा होता, लेकिन अगर हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे लोग नहीं अगर जागरूक होंगे तो सीईओ यहाँ क्यों आते, बाकी देश में जाते, लेकिन हम लोग सीईओ को बुलाने का काम बखूबी रूप से तभी निभा पाए जब सब एक्टिव मतलब एक्टिव रहे मीटिंग में रहे, तो उनको लगा कि नहीं सब लोग एक्टिव हैं, जब आएंगे आने के बाद हम लोग सारे बात को वहाँ पे रखेंगे, समस्या जो भी है क्या हो रहा है हम लोग क्या चाहते हैं और किस तरीके काम करना चाहते हैं, अगर वहाँ कोई सलूशन नहीं मिलता है तो उसी दिन से सभी लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं जो भी रहेगा, लेकिन वहाँ एक साथ सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर जबर बोल रहा है तो बाकी लोग चुपचाप हैं साइड में, सबको सब यही होता है आज तक यही होता है और इसीलिए हम बाहर हुए, कोई दिक्कत नहीं है सही हो जाएगा। अब चिंता ना करें जबर जी, अभी आप सारा चीज का सलूशन हो जाएगा, आप चिंता ना करें क्योंकि सामने रहेंगे, मेरी टीम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरी टीम में किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना ही किसी की सीट, सिर्फ 60 सीट प्रेस बॉम्बे वाले लड़का की अभी बीच में चोरी हुई है और उसके लिए ठीक है कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे ना हम लोग सारा बात को रखेंगे और बोलेंगे कि हम लोगों को सलूशन चाहिए, हम लोगों को कोई तारीख सपना या फिर कोई डेट ऐसा कुछ हम लोगों से मतलब नहीं है, हम लोगों को समस्या का सलूशन चाहिए, फिर वहां सुनिएगा कि क्या जवाब आता है, सेटिस्फाइड तब नहीं होंगे आएगा। चलो ठीक है सर, ओके थैंक यू, ओके ओके 22 तारीख ध्यान रखिए दिन और समय, थैंक यू धन्यवाद, आपका स्वागत है इस महफिल में, आप आए अब अपने विचार को रखे अपने सवाल को रखे, धन्यवाद बहुत बहुत। एक चीज सर यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे जी, अगर मान लीजिए कि सब लोग अगर छोड़ के चले जाएंगे तो कंपनी से फाइट कौन करेगा, सवाल ये है ठीक है ना, कंपनी के जो अपडेट है कंपनी से कौन दे करके देगा, जिन लोगों की प्रॉब्लम उनका समाधान कैसे होगा, छोड़ना मेरे हिसाब से नहीं है, लड़ना जरूरी है, हम कंपनी से लड़ेंगे मिलकर के लड़ेंगे अपनी टीम के साथ लड़ेंगे। राकेश जी कंपनी नहीं छोड़ी है, कंपनी तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा वो पूरा काम नहीं हो जाएगा सर, आपकी बात हम आपके साथ ही है सर, हम आपके साथ ही है, आपका ही बात को रख रहे हैं, हाँ मेरी बात सर, हम आपका ही बात को रख रहे हैं, लेकिन मैंने आधिकारिक पद से रिजाइन दिया जिससे हम बंधे हुए थे, जिससे हम कुछ बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल हमने सिर्फ आधिकारिक पदों से रिजाइन दिया है, ओके सर ठीक 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 जी जी जी, तो हम लोग उसी का मैं भी बोल रहा था कि हम लोग उसको लड़ेंगे, लड़कर के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और जब सीईओ आ रहे हैं तो उनके पास सारी हम लोग अपनी जितने भी समस्याएं हैं जितनी भी परेशानियां हैं उसको रखेंगे और हम लोग को उसका हल चाहिए, हम लोग को कोई गोल गोल घुमा करके जवाब नहीं चाहिए, तो इसीलिए जितने भी हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जहां तक भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोग सभी लोग दिल्ली में 22 तारीख को पहुंचिए और वहां पे हम लोग बात रखेंगे अपनी जो भी सॉल्यूशन है सारी चीजों को रखेंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे और आई होप वो उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा
कमल सैनी जी को लेते हैं, तीन केवल सवाल रहेंगे फिर आज के सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत जी, कमल सैनी जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। शॉर्ट में एक आदमी एक सवाल पूछे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। कमल सैनी जी मैंने आपको अनम्यूट के लिए भेजा है। सर नमस्कार, राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा फेस भी दिखाइए सर। सर फेस मेरे भी इधर ना थोड़ा ब्लैकनेस है, लाइट गया हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए सवाल। सर मेरे को सवाल ये पूछना था, आंद्रे सर 21 फरवरी को अभी इंडिया आ रहे हैं, कोई स्पेशल रीजन है क्या? नहीं नहीं, इवोशेंट को लेकर के तैयारी हो रही है और तैयारी का लॉन्चिंग इंडिया से शुरुआत होगा और पूरे दुनिया में लोग जानेंगे। नहीं तो वो तो जानेंगे सर, मैं भी डेली वेबिनार अटेंड करता हूं, बट आप लोगों से मुझे पता लग रहा है कि आंद्रे सर 21 फरवरी को इनकमिंग इंडिया। नहीं नहीं, वो पहले भी प्लान बताया था लेकिन डेट क्लियर नहीं हुआ था, डेट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। ये चीज तो कोई इवेंट प्रोग्राम है क्या सर? इवेंट है, ओपन कॉन्फ्रेंस शायद, हमको लग रहा है कि आप सही समय पर नहीं जुड़े। डेट एंड डिटेल भी नहीं है हम लोगों के पास, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। इवेंट मिल जाएगा सर, आज 17 नाइट हो गया, कल 18 है, दो दिन बाद से क्या होगा, कैसे होगा? अगर इंटरनेशनल कुछ मतलब ऑल ऑफ स्टेट से लोग आने होंगे तो कैसे होंगे? हम इंडिया के चार लोग रहेंगे क्या? नहीं नहीं, चार लोग नहीं है सर, इंडिया से 400,000 लोग रहेंगे, ऐसा मत सर। दिल्ली में अगर आएंगे सर, ये भी कंफर्मेशन नहीं है ना कि कहाँ पे आना है, दिल्ली आना है, वो सारी चीजें। एक मिनट सर, कमल सैनी सर मैं आपकी बात समझ गया। आपको आपको कल सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ कितने। अच्छा आप अभी कमल सैनी जी अभी आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे अभी हैं, दिल्ली में हैं कि कहाँ से हैं? सर मैं तो दिल्ली से हूँ ना सर। दिल्ली में, कल मैं आपको फोन करता हूँ, नंबर मेरे को शेयर करिएगा, दिल्ली किस होटल में हो रहा है सारा चीज, आप भी सपोर्ट करिए। आप भी कंपनी के कोनर हैं, केवल जिम्मेदारी मतलब कुछ ही लीडर का नहीं है, हम लोग पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। काफी कम समय में सारा अरेंजमेंट हो रहा है लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस मौका का लाभ सभी लोग लें और मीटिंग हो, भले वहां 100 लोग आए चाहे 50 लोग आए, मीटिंग होगा। सारा अभी हम लोग पार्टिसिपेंट के अंदर 58 लोग हैं, स्पेशली बहुत ठीक है, अच्छे लीडर हैं, बट क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे ही पता लगाया अभी कि किस तारीख को आंद्रे सर इंडिया आ रहे हैं। हाँ तो आप क्या चाहते हैं कि किनके थ्रू मतलब जानकारी मिलता तो अच्छा लगता? मतलब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ग्रुप में तो सब लीडर ही होते हैं लेकिन बट इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए ना सर। तो आपके करीब तो ये क्या बता रहे हैं अभी, पहले बता दिए। अरे सर देखो ये सब लोग हम लोगों का तो बहस इंटरनल वर्क होता है, कोई नाराजगी कोई परेशानी कोई लीडर इधर उधर होता है वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जब आंद्रे सर आ रहे हैं तो उनका स्पेशल वो वेलकम होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बगल में बैठे हैं ना मनोहर चौहान सर, बजाइए उनको। अरे सर वो तो मेरे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर है मेरे सर, वो दस मिनट ठीक है। तो अभी हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके लिए, ऐसा कल डिस्कशन करेंगे इस पे, अभी थोड़ा फट कर लीजिए टाइम। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा सर, एक लास्ट एंड क्वेश्चन हो रहा है, एक छोटा सा सर, मैं 2 साल से गोविंद चौधरी सर हैं, उनका एक प्रॉब्लम है, उनका प्लीज आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों का वेबिनार जूम पे जो होता है 15 से आधा घंटा वो पूरा लेके जाते हैं जी, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बस, थैंक यू। ठीक ठीक ओके ओके, नागेंद्र जी को लेंगे फिर मनोहर जी को, फिर लास्ट करेंगे आज का सेशन। जी जी नागेंद्र जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने भेज दिया रिक्वेस्ट आपको। जी नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर, अभी क्या है ये वो सेंट का प्रमोशन के बारे में बात कर रहा था, मे बी मैं लास्ट में ज्वाइन हुआ है, जो 2-3 लोग जो वैल्यू ऐड किया है इस सेशन के लिए उसको मैं ये करना चाहता हूँ। उसी में जब्बर सिंह साहब भी क्या है, क्यों बोल रहा था अभी इतना तापड़ तुपड़ में हमारा सीओ साहब इधर इंडिया आ रहा, इससे पहले क्या है ये क्वेश्चनियर लेके उसका किसको क्या समस्या है, तो इसको कैसा आगे लेके जाना है, इसके बारे में एक ओपिनियन पोल लगा के इसको उधर सॉल्व करना तो कैसा रहता था, एक बात है। दूसरा बात क्या है, अभी हमारा जो भी है स्काईवे से मिलके अभी तक रॉन्ग प्रमोशन ही हुआ है, अभी तक इनकमिंग ही कंपनी का तरफ से आए, लोगों को अभी तक कोई भी फायदा एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, उसी को लेके अभी क्यों ये नहीं करना है, क्यों तो अभी भी इनकमिंग के लिए कंपनी का इनपुट के लिए ले रहा छोड़ के, इतना कम्युनिटी को ओनर का सुविधा के लिए एक भी बेनिफिट अभी तक आया नहीं, हम लोग जो भी फंडिंग किया है नहीं तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया के इसलिए
उसी के मामले में कोई भी इसको क्यों लेके आना आना, मतलब आपका बोलना है कि इवोसेंट अभी क्यों लेकर आ रहे हैं जबकि कोई बेनिफिट नहीं, 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 नहीं वही बोल रहा अभी क्यों लेके आ रहे हैं इतना ताबड़तोड़ में, लोगों को समय नहीं दिया है, इसके बारे में पब्लिसिटी नहीं हुआ है, जो भी प्रीवियस क्वारी से वो कंप्लेंट भी सॉल्व भी नहीं हुआ है, अभी इनकमिंग है बोले तो कंपनी का तरफ से सभी अंदर आने की सुविधा बना रहा छोड़ के कंपनी का तरफ से लोगों को क्या क्या कभी कभी अभी अभी हमारा WCR हो और कुछ भी हो और लॉकिंग पीरियड में है, ठीक है ऐसा CRU है अभी हम लोग कितना 20-30-40 सेंट तक सेल हुआ था मगर आज 10-20 सेंट में आ गया वापस 10 सेंट भी नहीं है, ऐसा क्या बोलो तो अभी आगे कंपनी का तो सुविधा बना रहा कुछ सेल भी कर रहा ही कर रहा, तो एक प्रोडक्ट भी सक्सेसफुली पब्लिक में जनरेट नहीं हुआ ना, सही बोल रहे हैं आप, आपका बात से हम भी सहमत हैं बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला मैं कंपनी का जैसे आप कंपनी में कोनर है तो मैं भी एक कोनर हूँ, बाद में एक कंपनी का लीडर हूँ, और लीडर होने के नाते हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जरूर जरूर देखो ये कोनर का सुनिए सुनिए सर मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात सवालों का जवाब दे रहा हूँ पूरा लेट टू फिनिश, तो अभी बिल्कुल आपका कहना जायज है कि अभी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल अभी जैसे स्टेबल नहीं हुआ है सक्सेस नहीं हुआ है तो अभी इसका जरूरत नहीं था, स्टेबल होने के बाद लाते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना, तो अभी देखिए अभी हमारा एक जो प्रोजेक्ट है CRU और UNTV ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है ना, दूसरी बात की जैसे कोई भी जब प्रोजेक्ट मतलब पब्लिक में चला जाता है आम पब्लिक के बीच में, ठीक है ना, तो वहां पे कंट्रोल जो है वो आम पब्लिक में चला जाता है ना कि कंपनी के पास कंट्रोल रहता है, तो ये हम लोगों ने और हमारे जैसे लीडर नहीं है जो कि कंपनी ने 20 सेंट में CRU को लॉन्च किया था और आज उसका बहुत बुरा स्थिति हो गया, ठीक है ना, अभी कंपनी ने काफी इनिशिएटिव डिसीजन लिया है जिसमें कि आप देखेंगे कि उसने लिमिट लगा दिया है 10,000 CRU को ट्रांसफर कर पाएंगे, कंपनी बहुत तेजी से नए एक्सचेंजेस में मतलब कि इसको लिस्ट करने के लिए इसकी प्राइस को अपग्रेड करने के लिए और स्टेबल करने के लिए प्रयास कर रही है, ओके ठीक है, सेकेंड थिंग जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है जैसे आपने स्काईवे का जिक्र करा तो स्काईवे पे मैं थोड़ा सा बहुत बताना चाह रहा हूँ कि स्काईवे वो ऑन द पाइप है उसका आपका दुबई में उसका ऑलरेडी काफी तेजी से काम हो रहा है, उसका एक एमओयू साइन हुआ है सबसे पहले दुबई में ही वो स्टार्ट होगा उसके बाद कहीं स्टार्ट होगा, हम लोगों ने लाइव देख करके आया है अक्टूबर में मैं दुबई गया था और स्काई पोर्ट पे हम लोग वहां पे देख करके आए हैं खुद लाइव, तो वो अपना ठीक ठाक है और बाकी जो प्रोजेक्ट है ऑन द वे है, ठीक है ना, रहा बात इवोसेंट को अभी लाने का तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, तो इस सारे रीजन को अगर आपको डिटेल्स में बारीकी से अगर आपको जानना है तो आप 22 तारीख को दिल्ली पहुंचिए जिसका इन्फॉर्मेशन आपको वेन्यू सारा कुछ हो जाएगा, प्लीज राकेश इधर स्मॉल करेक्शन है, क्यों बोलो तो इतना लोग दिल्ली पहुंच के CEO से मिलने का मौका पिछले बोलो तो 2-3 साल का पहले का था, तो जब भी टेक्नोलॉजी नहीं था वो टाइम में का था तो 2019-2020 का था, 20 के बाद इतना टेक्नोलॉजी आया है उसी ने कैनेडा में रुक के दुनिया से बात करने का टेक्नोलॉजी आया, दुनिया लोगों से मिलने का टेक्नोलॉजी आया, इसी टाइम में फिजिकल मीटिंग का क्या जरूरत था, एक दूसरा बात क्या है अभी तक जो भी प्रॉमिस हुआ है 2019 अक्टूबर 11-12-13 में जो भी इवेंट हुआ है दिल्ली में उसी प्रॉमिस में एक भी कंपनी अभी तक निभाला ना पाया, तो फिजिकल प्रोजेक्ट आ रहा वो आ रहा ये आ रहा उसके लिए हमको प्रोजेक्ट को लेकर के ही हम लोगों ने काफी कंपनी से मतलब कि सवाल जवाब करे हैं कि हम लोग का इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ा है वर्ल्ड का, मतलब कि इवोसेंट एवोरिज में हमारा सबसे बड़ा कम्युनिटी इंडिया का ही है, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कम्युनिटी और इंडिया में अभी कोई भी हमारे पास फिजिकल मतलब कि मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है, इंडिया में ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं हमारे जो NSE BSE में स्टॉक्स में पैसे हैं ऑलरेडी और वहां से अच्छे खासे प्रॉफिट भी आ रहे हैं बट दे हैव नो मतलब फिजिकली एनी प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग सर राकेश जी हम लोग को-ओनर्स है ना सर, बिल्कुल है को-ओनर्स है ना, तो एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसी का हमारा फंड्स क्या है किधर किधर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसी में बुरा क्या है अच्छा क्या है कितना खर्चा हुआ है कितना बैलेंस है, ये किसी भी एक को-ओनर को भी पहुंचा है कंपनी का तरफ, एक मिनट सर आप कभी क्लोज मीटिंग में ज्वाइन किया है, आप कभी ज्वाइन किया उसमें सर
एक एक मौता फॉर्ड अलग होता है, एक स्टेटमेंट अलग होता है, ये ध्यान रख लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि उसमें सारी चीजें दिया जाता है, रहा बात लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप बोल रहे हैं बैलेंस शीट हो गया उसको सॉल्व करने के लिए, वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, इन फ्यूचर में वो भी लाइव हो जाएंगे, दिख जाएगा जी, क्योंकि जब तक कंपनी स्टेबल नहीं होता है सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना आपके हैटर्स भी बड़े होते हैं, हैटर्स भी नुकसान चाहते हैं, वो भी सूच कर देखेंगे आपके पेपर्स को डाउनलोड करके, इफेक्ट करके कुछ भी, ठीक है ना। अगर आप डाउन अगर आप आते हैं सपोज दैट कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं क्लोज मीटिंग समरी मीटिंग में, उसमें सारी चीजों को दिखाया जाता है कि हमारा फंड कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ पे कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है, अभी अपकमिंग में क्या होने वाला है, सारी चीज एवरीथिंग अलग होता है, एक स्टेटमेंट बाहर आना गवर्नर को पहुंचना अलग होता है। आएगा आएगा, वेट करिए, आएगा, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आएगा आपके बात को मैं, और ये सवाल आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ये सवाल ऑलरेडी हम लोगों ने पूछा है डायरेक्टली सीओ से, सुनिए और भी सर मैंने पूछा है, सर मैं आपको ओपन फोरम में बता रहा हूँ कि हमने पूछा है कि वी आर ए कोनर बट दे बट हाउ कैन आई प्रूव दैट कि वी आर ए कोनर बिकॉज दे हैव नो एनी एविडेंस और सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, हमने तीखे सवाल बहुत ज्यादा कंपनी से पूछे हैं और उसका आंसर हमें मिला है और कुछ आंसर मिलने वाला है। तो हम लोग ऑलरेडी जो प्रॉब्लम है जो पब्लिक की बातें होती हैं उसको नोट डाउन करते हैं और उसको पूछते हैं, क्योंकि उसका आंसर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपको कहां से दूंगा। तो कुछ आंसर मिल गए हैं, कुछ आंसर मिलेंगे, अभी जो नेक्स्ट समरी मीटिंग होगा उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट समरी मीटिंग में आपको सारा कुछ ओपन कर देंगे क्लियर, तो थोड़ा सा वेट करिए और 22 तारीख को जरूर पार्टिसिपेट करिए, आपको हो सकता है सारे सवालों का आंसर भी आपको वहां पे मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, वो ये बोल रहा है फिजिकल क्या है, इतना ताकत ऊपर में मे बी लिमिटेड पीपल आ सकता है उधर। जी देखिए जो भी टॉप लीडर्स है, मैं बोलूंगा जो भी टॉप लीडर्स है जिनकी अच्छी खासी टीम है, जो भी एक अच्छे लीडर है, मैं उनको चाहूंगा कि वो लोग व्हाइट लिस्ट वहां पे पहुंचे, क्योंकि उनके अपनी टीम को बहुत सारे अपडेट देना होता है, बहुत सारी हेल्प करनी होती है, तो एटलीस्ट वो लोग तो जरूर पहुंचे, ठीक है ना। यानी ये समय में एवोसेंट का प्रमोशन मे बी परसेंटेज ऑफ पीपल का क्या ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन बता रहा हूं, मेरा ओपिनियन इट इज नॉट ए राइट टाइम टू प्रमोट दिस न्यू प्रोडक्ट विदाउट कंक्लूडिंग ओल्ड इश्यूज। देखिए अभी सर जैसे कि टाइम दिया हुआ बैक ऑफिस में 24 तारीख से 3 मार्च तक का, ठीक है ना, तो मे बी उसमें कुछ चेंजिंग हो, हम लोगों ने जो आप बोल रहे हैं वो चीजें सारे ऑलरेडी हमने कंपनी को फीडबैक दे चुका है, दे दिया है। देखिए हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान है, कंपनी का जो कोनर है वो है, उसके बाद में लीडर है, तो हम एक नॉर्मल इंसान है, कोनर की तरह सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने फील किया है और कंपनी को ये रखा है कि सर अभी आप क्या सोच करके लाए, आप मुझे अपना थिंकिंग बताओ, अगर आप विजनर हो तो जाहिर सी बात हो कि आम पब्लिक से आगे की बात सोचते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को जानकारी चाहिए कि क्या सोच करके आप कर रहे हैं, तो उसका सारा आंसर सारी चीजें उसका वहां पे आंसर मिलने वाला है। तो हम लोग उसको देखिए अभी तक हम लोगों ने सीईओ से अभी तो हम लोगों ने अक्टूबर में मिला था दुबई में, बहुत सारे लोग नहीं मिल पाए थे, तो एटलीस्ट जो लीडर है वहां पे पहुंचे और डायरेक्टली रूबरू और डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, डायरेक्टली सभी चीजों का प्रेजेंटेशन होगा और वहां पे बहुत सारे चीजों का आंसर मिलेगा। प्लीज प्लीज वो जो भी लीडर पार्टिसिपेट किया है उसको मिलता है, उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग सो नहीं तो उसको कंक्लूजन सो, हम लोग सारे आंसर देंगे आपको, इसके बाद भी हम लोग देंगे सर, अभी जैसे मैंने बोला कि उसी का इंफॉर्मेशन मिलेगा सबको ओनर को। जी बिल्कुल सभी को मिलेगा, बाय मेल भी मिलेगा, मेल के थ्रू भी जाएगा आपके पास। प्लीज प्लीज ओके नहीं अभी क्यों बोला तो पिछले बार जैसा हुआ है रॉन्ग कमिटमेंट्स रॉन्ग हम लोग ये किया है वैसा सर, मिसलीडिंग बहुत हुआ है, मिस गाइडेंस बहुत हुआ है, एक्चुअली कंपनी का मतलब कंपनी का जो प्रपोजल है कंपनी का जो मतलब की स्टेटमेंट है वो कुछ और थी, लोगों ने कुछ और बोल करके बहुत सारी चीजें, छोटा करेक्शन राकेश जी क्यों बोलो तो कंपनी ने कोई भी कमिटमेंट को पेपर में नहीं रखा था, ओरल में रखा था, इसीलिए उसको रॉन्ग कमिटमेंट हो गया, रॉन्ग ये प्रमोशन हो गया है, वो नहीं होने के लिए कंपनी की तरफ से एक एक्शन लेना है, यूनिक होना है, जो भी प्रमोशन होता है जो भी प्रोडक्ट आता है वो यूनिक होने तो तब रॉन्ग प्रमोशन होता है। जी 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 ठीक है सर, मैंने आपकी बात को सर मैंने नोट डाउन भी कर लिया है, अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा आपके सवालों को। प्लीज प्लीज ओके सर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ओके मैं वेट करता हूँ। नगेंद्र जी आप साउथ से हैं, बेंगलोर साउथ से, तो साउथ में भी एक मीटिंग रखने का है,
और जगह प्लेस डेट तारीख हर चीज बता दिया जाएगा। लगभग वहाँ पे 28 तारीख के लगभग रहेगा, तो साउथ में एक रहेगा, फिर मणि शुरुआत दिल्ली से होगा, फिर इसके बाद मणिपुर रहेगा। मणिपुर में 24-25 दो दिन का रहेगा, और इसके बाद आपका साउथ में रहेगा। बाद में फिर प्लान हम लोग कर रहे हैं कि फिर रायपुर छत्तीसगढ़ में करने का, तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग है। और काफी कम समय में हुआ, जैसे पिछला बार जब सीआरयू आया था आप लोग देखे होंगे, तो कई चैनल के थ्रू नीचे तक पूरे जानकारी पहुंच पाता था। पहले इटालियन टीम डायरेक्ट होते थे, इटालियन वाले कुछ कन्वर्ट करते थे, फिर हिंदी में कुछ और होता था, ऐसे होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, जो भी बात होगा डायरेक्ट सीईओ हम लोग को बोलेंगे, हिंदी ट्रांसलेटर रहेंगे, वहीं तुरंत का तुरंत पता चलेगा क्या शुरुआती है। तो क्या होता है कि सीआरयू में जो हाल हुआ ऐसा ना हो, यही सारे चीजों को सही करने के उद्देश्य से यहाँ पे आ रहे हैं। और एक लीडर तो समझिए कि बस जिस तरीके से बस ट्रेन होते हैं, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे टाइप का हो गए हैं। तो लीडर एक्चुअली बहुत कम काम कर रहे हैं, और इसलिए कम काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पैसे नहीं आ रहे हैं, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिससे पैसे आते रहे। ये सारे चीजों को देख करके मतलब लीडर को कुछ एक्टिव इनकम आए, और बहुत सारा चीज प्लानिंग के तहत मतलब किया जा रहा है, वो सारा चीज मतलब वहां पे बताया जाएगा। सीआरयू का रेट नहीं बढ़ेगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं खरीदेगा, कैसे रेट बढ़ेगा? पैसा अगर सबके पास अगर हो जाए तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा, हर कोई खरीदना चाहेगा, तो रेट बढ़ेगा। और पैसा नहीं है तो कितनों प्लान ले आइए फेल हो जाता है, बिजनेस प्लान हर चीज तो सब डिपेंड है। तो बहुत सारा चीज है प्लानिंग, तो सब क्लियर मतलब होगा ऐसा बोला गया है। तो इसको प्रयास हम लोग करते हैं और पहुंचते हैं, और नहीं तो आप साउथ में तो वहां पे करिए। आपको अप टू डेट मीटिंग जून में तो आ ही सकते हैं, अगर वहां नहीं रहेंगे तो हर चीज दूसरे दिन यानी कल प्लान जितना भी होगा उसका जानकारी। प्लीज प्लीज क्यों बोलता हूं, हमारा इंडिया में पहले क्या है, इंडियन कम्युनिटी बहुत आई, इंडियन कम्युनिटी की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, मगर अभी तक हम लोग एक फिजिकल प्रोजेक्ट भी इंडिया में ले नहीं पाया। ये बहुत सारे चीज को लिए बुलाए हैं यहाँ पे रखेंगे, और क्या कैसे करना है प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट आएगा और किस पे क्या बात करना है, और पहले क्या हुआ, कौन क्या क्या नहीं बोला, उसको तो रिपीट करना सही नहीं रहेगा, और क्या नहीं किया। लेकिन अब अभी भी मतलब जैसे सीईओ आएंगे, हम लोग अगर रखते हैं और सब मिल करके बोलते हैं, जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम लोग आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो अपडेट थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मनोहर जी का है, इसके बाद आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार। आज का जो सेशन है वो 2.5 घंटे का हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 10:30 हो गया है, इट्स रियली वंडरफुल, अच्छी बातें हो रही है। देखो हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। एक दो जी ने जो बताई है सर वो बहुत अच्छी बताई है, कुछ ये ट्रांसपेरेंसी विच इज वी आर कॉल्ड क्लोज मीटिंग समवेयर, आई एम नॉट आल्सो सेटिस्फाइड विद दैट। सारी चीजें बताया है, पर इफ क्लोजिंग दैट शुड वी कम विद approval of the CA, it is an independent body. Right, Dhruv sir? मेरा जो कहने का मुद्दा है, जो क्लोज रिपोर्ट आती है बहुत बढ़िया रहती है, और इतना घंटे एक CEO टाइम देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतना मतलब कि वो बहुत सिंसियर है, ठीक है। बट एक फाइनेंशियली क्लोजिंग, जो फाइनेंशियली क्लोजिंग होती है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो हम इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट से करवाते हैं, और उसको एक हम अपना क्लोज मीटिंग में बता सकते हैं कि हमारा एक्चुअली हमने ऑडिटिंग करवा रखा है, इसका होना चाहिए, दैट इज अ प्रोटोकॉल ऑफ द कंपनी। या हम ट्रांसपेरेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, और कॉन्फिडेंस, देखो एक्चुअली आज तक ये क्वेश्चन बात तो हो नहीं रही थी, मुझे नहीं पता है कि क्या रीजन है, और ये चीज होना बहुत जरूरी है, व्हाट आई फील एज ए को ऑनर ऑफ दिस कंपनी। सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छी बात है, एक मुझे और पॉइंट आप लोगों के समक्ष रखना है, क्योंकि आंध्र सर का आना दिल्ली में मतलब बहुत शॉर्ट स्पिन ऑफ टाइम हो रहा है। हमने एक आप लोगों को लिस्टें दी है बहुत सारी स्काईवे वाले की, जो आपके ESR में नहीं चेंज हुए थे, ठीक है, वो कई बार दे रखी है सर, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा, लिस्टें आपके पास पड़ी होगी, क्योंकि यू हैव टेकन ऑल द लिस्ट, राइट सर?
दूसरी चीज तो जबर सर बोल रहे थे कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उनको हमने कम ये तो डेजिग्नेशन पे थे, हमें रिस्पांस मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या है ये क्रॉस क्वेश्चन काम आगे सोचना है कि हाउ वी कैन टेक दिस कंपनी फॉरवर्ड। गलतियां पीछे भी हुई है आगे भी होगी, सब इंसान है, होते रहेगी गलतियां, ये हमने कैसे ठीक करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैज स्पेंड या कोई कंपनी का सच्चा कॉर्नर हूं, कैसे ठीक किया जाए इस मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए। पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, ट्विटर और उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना ही पड़ेगा। यहाँ हम अपनी कम्युनिटी से टूल्स, जो हमारे पास टूल्स है, सीआरयू कोई भी टूल्स है, जब तक हम सोशल मीडिया से फ्रेंडली नहीं होंगे हमारी ग्रुप नहीं, तब तक ग्रोथ करना थोड़ा टफ है। राकेश सर को भी चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये टूल्स आज मैं रवि कुमार से भी बात किया था, डॉक्टर पंडित राजन से भी बात किया था, वो सेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे, बट मीन वाइल फर्स्ट हमें कुछ चीजें एक्चुअल में फोकस करनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा बड़े की क्वेश्चन है, प्लीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थोड़ी प्रायर होनी चाहिए सर, इट इज नॉट ओनली अभी आज एक्चुअल में जो सैनी साहब ने भी पूछा था, 3-4 दिन का टाइम है, इट इज नॉट फॉर एवरी वन, जो भी कोई आदमी बाहर से आएगा 10-15 हजार पे खर्चा लगेगा, ये हैज टू कम, और टाइम इज वेरी हार्ड टाइम, देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ विद द पीपल, वी हैव टू गिव टू द पीपल, वी आर अ co-owner, वी आर अ पार्टनर ऑफ दिस कंपनी एंड रिस्पेक्ट शुड बी देयर। इट्स नॉट कि हाँ आप लोगों ने डिसाइड किया या टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और टॉप काउंसिल वालों ने डिसाइड किया और सबको बोल दिया चलो दिल्ली चलो आ गया है, फिर झारखंड चलो, फिर मणिपुर चलो, दिस इज नॉट द वे। लेकिन समय के अनुसार कुछ कुछ ऐसा हो जाता है मनोहर जी, कभी कभी मतलब ना आप सीओ है और आ रहा है तो दो चीजें, एक तो दो तीन चीजों को लेकर के we will welcome or I'm in Delhi if you need any kind of support from me, I'm all there। दो तीन चीजों को लेकर के आ रहा है और दूसरा देश में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ कई चीजों को लेकर के आ रहे हैं भी हो जाएगा और सब अपडेट है, जो नहीं जा पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से देखेंगे, सिंपल सा रहेगा। समझिए हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है सर, या कोई हमारा कंपनी का सीईओ आ रहा है उनका वेलकम होना चाहिए ना, बनता अब है ना? कम समय है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं बता पाए उसके लिए वो माफी चाहेंगे, मतलब मैं भी क्योंकि हम दिल्ली में है, आप हमें बताएं क्या करना है, व्हाट सपोर्ट यू नीड, वी आर 20 पीपल, इफ यू नीड आवर सपोर्ट वी आर ऑलवेज देयर, नो प्रॉब्लम। यस सर, सर हम लोग फोन पे बात करेंगे और आपका सपोर्ट लेंगे क्योंकि आप हैं। और आपकी काफी एक्टिविटी है ना मनोहर सर, ओके सर, तो अब सब राइट, ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपका जो प्रोग्राम रहा बहुत बढ़िया है, 2.5 घंटे हो गए, दो लोग का लास्ट में क्लोज ले लेते हैं, का सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा है लेकिन लास्ट लेते हैं, चलिए अविनाश सर और आलोक प्रसाद सर दो लोग लास्ट हैं, इसके बाद अब प्लीज जो भी क्वेश्चन होगा आप फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में पूछ लीजिएगा। तो अविनाश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर, ठीक है, पूरा देख रहे हैं माहौल। सर मैं ये कह रहा था कि अभी भी इतना जो बातें चल रहा है तो इतना सीट हो जाएगा, कितना
उधर मीटिंग में सीओ साहब का सुनने के लिए कितना सीटिंग की व्यवस्था है आपके पास? उस जगह भी इंफॉर्मेशन सारा कुछ कल मिलेगा सर, क्योंकि पटना से जाऊंगा वहां स्पेशली हम लोग अपडेट करेंगे, आज भर समय दीजिए क्योंकि कल ही फाइनल हुआ और आज वहाँ पे लीडर्स गए हुए थे होटल के लिए, अभी फाइनल नहीं हुआ है कल तक पूरा फाइनल। लोगों को लगता है सर मैं नीचे लेवल से ओपिनियन ले रखा हूँ पूरे हिंदुस्तान और भी कंट्री में, 2000 कंट्री में जो सीआरओ है सर, ये सीआरओ हम लोग का जीवन का एक जो सीआरओ और डब्ल्यू सॉरी एक बहुत बड़ा मतलब ख्वाब देख के हम लोग काम किया था और बहुत बड़ा टीम बनाया था। मेरा सर 9000 का स्ट्रक्चर है भदौड़िया जी के स्ट्रक्चर में, भदौड़िया जी सुन रहे होंगे हो सकता है, बहुत बड़ी मेरा खुद का 9000 मैंने आईडी के नीचे मैंने बहुत रात दिन मेहनत करके मैंने बनाया स्ट्रक्चर। सभी लोग मेहनत किए हैं सर और हम लोग चाहते हैं कि मेहनत और हम लोग सर इसको जो हमारा जो 65 प्रोजेक्ट है इसको हम ऑलरेडी मार्केट में इस पे हम बहुत सारे लेक्चर देते हैं लोगों को और मैं सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। और मैं अपने जीवन का गुरु मानता हूँ एंड्रो सर का कि जिन्होंने ये उनके बुके हमने पढ़ी और उनके मैंने लेक्चर सुना, आप लोग को सुना और जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया, लोग जीवन में बदलाव ला रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर में क्या करना है, फाइनेंस में पैसा कैसे लगा रहा है तो नहीं डूबेगा, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। तो सर सेटिंग का थोड़ा बता देंगे क्या रहेगा तो अविनाश जी कल का वेबिनार में आ जाइएगा, वेबिनार दिन में भी अगर जैसे फाइनल हो जाएगा हाँ। तो आप लोगों को दिन में ही सर्कुलेट, ग्रुप में तो आप जुड़े ही होंगे कहीं ना कहीं आप तक मिल जाएगा, ग्रुप में है वो और आपको इन्फॉर्मेशन कल मिल जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए रात भर का सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कल, तो कल ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया जाएगा और कल भी कोई ना कोई लीडर वेबिनार करेगा तो आप उसमें आइएगा तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, लास्ट सवाल रहेगा इसके बाद किन्हीं का सवाल नहीं लेंगे, कल का सेशन पे लेंगे। आलोक आलोक प्रसाद सर आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर। गुड इवनिंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड ऑल लीडर्स और जो भी कॉलर्स हम लोग को आज सुन रहे हैं, देखिए आपके मन में 100 सवाल हैं और हम लोग के मन में भी 100 सवाल हैं, तो क्यों ना एक सवालों का लिस्ट किया जाए और सारे के सारे सवाल कंपनी के पास रिप्रेजेंट किया जाए। तो हम लोग एक काम करेंगे, कल हम लोग एक गूगल फॉर्म आपको भिजवाएंगे थ्रू द वेबिनार, जो भी वेबिनार लेंगे जो भी लीडर, जितने भी आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है कि कौन सा स्टेप कंपनी का क्या है, अगर इवोसेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, वी नीड द कंप्लीट रोड मैप हम लोग को चाहिए और किस चीज के आपका जो भी मन में डाउट है कि सीआरयू को लेके कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए हुए थे, डब्ल्यू सीआरयू को मार्केट में अभी कैसे रिप्रेजेंट किए थे और कंपनी कहाँ तक जा रहा है और इस इवोसेंट को हम लोग इंडिया के ऊपर प्रमोशन करने से पहले हम लोग को सारे के सारे रोड मैप कंपनी से लेंगे, वो भी लिखित, ताकि हम लोगों को आगे प्रमोशन करने में ना दिक्कत हो, ना आप लोगों को कहीं पे प्रमोशन करने में उसका दिक्कत हो। तो आप लोगों को कल एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा, Each person, each co-owner having their own rights, जैसे नगेंद्र सर कुछ बता रहे थे, जब मीटिंग में रहे वहां पे हम लोग ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर पाए और आपका जितने भी जो भी आंसर रहेगा वहां पे आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, इतना ही बोलना था। आप लोग कल हम लोग लिंक दे देंगे, उसमें आप भरिए जो भी सवाल है आपके मन में, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो भी आज तक का फीडबैक है इस कंपनी को लेके, आप सारे सारे के सारे क्वेरीज फीडबैक और आपका सजेशन वहां पे लिखिए। थैंक यू वेरी मच ध्रुव सर एंड राजक सर। आलोक जी ने सजेशन क्योंकि सबके सवाल तो सभी लोग में तो बहुत अच्छा सजेशन है। कुछ सवाल का जवाब मणिपुर में मिलेगा, इंडिया में जब तक रहेंगे सारे सवालों का जवाब हम लोग लेंगे, फिर वो सेंड उतर के काम करेंगे। बिल्कुल आपका सर बहुत अच्छा सजेशन है और कल इसको गूगल का शीट बना करके आप सर्कुलेट कर दीजिएगा सारे ग्रुप्स में, इंक्लूड आपका सोशल मीडिया आपका
टेलीग्राम ग्रुप में भी तो हम लोग और सारे सवालों को एक जगह मेंशन का प्रिंट आउट ले लेंगे, नोटबुक में बना के वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे और उनके सारे सवालों का जवाब भी लेंगे। तो ये एक अच्छा आइडिया है, आपने बहुत अच्छा किया बताया, थैंक यू आलोक सर। और जितने भी सारे टीम से हैं आप उस गूगल फॉर्म को शेयर करिए और जो भी क्वेश्चन आंसर आपका है आप क्वेश्चन को डालिए, जो भी आपके मन पे डाउट चल रहा है उसको डालिए, हम लोग लेके आगे चल के उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू जी, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट लगभग 10:45 बज चुका है, काफी टाइम ज्यादा 2.5 घंटे लगभग हो चुके हैं और आज का सेशन काफी लंबा हो गया और आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी इंफॉर्मेशन है कल के नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिल जाएगा, वेन्यू कहाँ पे कंपनी का प्रोग्राम है, कहाँ पे सीईओ का जो प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ पे है, किस डेट में है, कितने तारीख को है, किस जगह पे है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और लास्टली फिर से बोलना चाहेंगे कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम WCRU में कन्वर्ट कर लीजिए या करा लीजिए, नए लोगों को भी मौका मिला उसका फायदा उठा लीजिए। 21 तारीख के बाद आप चिल्लाते रहेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो वहां से $22 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा WCRU कॉस्टली होने वाला है। ठीक है, तो ध्रुव सर इसको लास्ट अब क्लोज। हाँ, इसी के साथ आज के मीटिंग को समाप्त करते हैं राकेश जी, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहा। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग कल का मीटिंग में भी सभी लोग आए और इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे और सभी लोग एजुकेट होते रहे। अब आपके जो भी सवाल रहेंगे वो गूगल ड्राइव के माध्यम से आप लोग भरिए, हम लोग तक आएगा और उस पे नोट तैयार करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों का जवाब आप लोगों को देने की प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अभी तक बने रहे और कंटिन्यूस सवाल का जवाब लेते रहे। तो चाहेंगे कि कल भी इसी तरीके से आइए। अपने जो भी लीडर है आप तो सुन ही रहे हैं, आपके साथ में बहुत सारे लीडर जुड़े होंगे, उनको भी बताइए। कुछ चीज ऐसा होता है कि आप सुन रहे हैं लेकिन सारे बातों को आप उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं जब तक उनको मीटिंग में नहीं लाएंगे, ना तो नया ना तो पुराना, कोई भी चीजों का अपडेट वो प्रॉपर रूप से नहीं ले पाते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि नया चीज आ रहा है उसमें इन्वॉल्व होइए, लेकिन पुराना चीज है उसके लिए तो अपडेट लीजिए। कोई भी चीज को तभी हो पाएगा, नए पुराने सब चीज मिल करके काम करेंगे, पुराने का भी रेट बढ़ेगा और नए भी काम होगा, सारा चीज होता है। तो सब सिस्टमेटिक धीरे धीरे काम सब सही होते जा रहा है, काम अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू इसी टाइप से मीटिंग भी करेंगे, आप लोगों को अपडेट भी मिलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से भी और सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने काफी पेशेंस रखा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नए लीडर के साथ, गुड नाइट। नए जानकारी के साथ फिर आते हैं, सेम लिंक रहेगा, सेम सारा चीज रहेगा, लीडर्स कोई भी लेंगे, अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।